नमस्कार, मैं विकास सिंह आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से ज्योग्राफी के क्लासेस में। तो ज्योग्राफी के क्लासेस में आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत की मिट्टी के बारे में, सॉयल ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले ज्योग्राफी के बहुत सारे टॉपिक के ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं, उसको एक बार देख लीजिएगा, आप लोग रिविजन कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से देख रहे हैं और अच्छे तरीके से मैप के साथ अगर आप रूबरू हैं तो आपको रिविजन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ मैप देख करके आप चीजों को समझ सकते हैं। फिर से हम एक मैप लेके आए हैं, आपको पता है कि जब तक हम ज्योग्राफी के क्लासेस चलाते रहेंगे तब तक हम मैप के साथ बात करते रहेंगे। तो फिर से एक बार हम मैप लेके आए हैं और मैप में हम आपको भारत की मिट्टी के बारे में समझाएंगे पहले, उसके बाद फिर हम जो भी कंटेंट लिखे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले मैप से समझते हैं, मैप से समझना बहुत जरूरी है। आप भी अपने कॉपी पेन पे थोड़ा सा स्केच करने की कोशिश कीजिए और यहां पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, आप भी अपने कॉपी पेन पे स्केच कीजिए, मैप का जो A4 पेपर साइज है उसको आप परचेज कर लीजिए और हमारे साथ मैप पे थोड़ा सा काम कीजिए, ये जरूरी है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप भी मिट्टी का ही मैप खरीद के लाएं या आप भी पर्वत का ही मैप खरीद लें, आप ब्लैंक मैप खरीद के लाइए और वहां पर चीजों को बनाइए जिस तरीके से यहाँ बना हुआ है, इसको देखिए समझिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के बारे में, सॉयल के बारे में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मिट्टी है और मिट्टी के फॉर्मेशन को पेडोजेनेसिस कहा जाता है। मिट्टी के फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? पेडोजेनेसिस। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, पेडोजेनेसिस कहा जाता है। उसके बाद मैं मिट्टी के बारे में और भी बात बताऊं कि जो मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया है उसमें बहुत सारे चीजें योगदान देती है। मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि प्रभावित करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, टाइम वगैरह। पेरेंट मटेरियल का मतलब क्या होता है कि मिट्टी जहां बनी है वो किस प्रकार की मटेरियल है। जैसे कि नीचे में जो जिस भी तरह के चट्टान के ऊपर मिट्टी का निर्माण हुआ है और उस चट्टान में जिस प्रकार का अंश होगा मिट्टी उसी प्रकार की होगी। जैसे कि अगर किसी अगर हम डेक्कन प्लेटू की बात कर ले या जहां काली मिट्टी पाई जाती है उसके चट्टानों की बात करें, तो वहां पर चूंकि कभी ज्वालामुखी जैसा प्रवाह हुआ था और ज्वालामुखी के प्रवाह के कारण जो बिछ गई थी पूरे के पूरी ज्वालामुखी का लावा और वो फिर टूट फूट करके समय के साथ और जिस मिट्टी का निर्माण किया वो ब्लैक मिट्टी हुआ, वो काली मिट्टी हुआ। ठीक उसी तरीके से जहां पे जिस चट्टान पे आयरन और फाइंस की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, आयरन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, वहां पर जो मिट्टी पाए जाते हैं वो रेड और येलो कलर का यानी रेड सॉयल पाए जाते हैं वहां पे। तो ये चीजें डिपेंड करती है कि पेरेंट जो मटेरियल है वो कैसा है, पेरेंट जो रॉक है वो कैसा है, तो उसमें बनने वाली मिट्टी भी उसी तत्वों की होगी, उसी कैरेक्टर का होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्लाइमेट, क्लाइमेट क्लाइमेट मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया को तेज या कम करती है। जैसे कि अगर कोई क्लाइमेटिक जहां पे ज्यादा वर्षा हो रहा है वहां पे मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया तेज होगी क्योंकि वो जल्दी जल्दी मिट्टी को तोड़ेगा, वहां पे रासायनिक अभिक्रिया बहुत तेजी से होगी, ठीक है ना, इसलिए मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया तेज होगी। लेकिन जहां पे ज्यादा बारिश नहीं है यानी कि कम बारिश का क्षेत्र, वहां पे मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया उतनी तेज नहीं होगी और वहां की मिट्टी उतनी महीन नहीं होगी क्योंकि वहां पे रासायनिक प्रक्रिया बहुत तेज नहीं होगा, वहां की जो जीव है जो मिट्टी निर्माण में सहायक है वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होंगे उस गर्मी में। इसलिए जैसे राजस्थान के तरफ जो अगर मिट्टी देखेंगे तो उतनी महीन नहीं होते, उसमें बालू के कण ज्यादा पाए जाते हैं इन कंपैरिजन टू गंगा के मैदान में या फिर जहां पे बरसात ज्यादा होती है। तो इस बात को समझिएगा कि जो क्लाइमेट है वो मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया को तेज या स्लो करती है और मिट्टी के बनावट को भी तय करती है। जैसे कि कहीं पर महीन मिट्टी होगी जहां पे जिसको हम जलोढ़ कह सकते हैं या फिर कहीं पे हो सकता है कि बलुई मिट्टी हो, यहाँ पे बालू का कण ज्यादा हो राजस्थान वगैरह के इलाकों में, ये भी क्लाइमेटिक रीजन पे डिपेंड करता है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे टाइम को लेकर के है। समय आप जानते हैं बलवान है, समय हर चीज को चेंज कर देता है, तो इसके ऊपर में क्या बात किया जाए। समय तो लगता ही है मिट्टी फॉर्मेशन में और जितना समय लगेगा उतना ही ज्यादा मिट्टी का निर्माण होगा। मिट्टी कोई एक दो दिनों में बनने वाली चीज नहीं है, बहुत
बहुत बहुत समय लगते हैं मिट्टी के निर्माण के प्रक्रिया में, बहुत समय लगते हैं। आप अगर कभी किसी जंगल से गुजरेंगे या अपने खेतों से गुजरेंगे या अपने बगीचों से गुजरेंगे और थोड़ा सा मिट्टी को निकाल के देखिए, अंदर में जो बगीचे का पत्ता है वो सड़ रहा होता है, यानी कि नीचे में पत्ता निकलेगा लेकिन वो सड़ रहा होता है, सड़ा नहीं होता है, और जो कि काफी पहले से वो प्रक्रिया चल रही है। तो मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया में काफी समय लगता है और टाइम मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा कारक है। और भी इसके फैक्टर्स हैं जिसके बारे में बात हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट तीन है जिसके बारे में हमने यहाँ पे बात किया, पैरेंट रॉ मटेरियल, क्लाइमेट और टाइम, ये हमने अच्छे तरीके से बात कर लिया। उसके बाद एक पॉइंट है जो बड़ा यूनिवर्सल है, बहुत यूनिवर्सल पॉइंट है, खास करके भारत की मिट्टी के बारे में। यूनिवर्सल पॉइंट ये है कि भारत के मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी, जितने भी प्रकार की मिट्टी आप भारत में देखेंगे उसमें नाइट्रोजन की कमी आपको मिलेगा। लैक ऑफ नाइट्रोजन फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया, जितने भी प्रकार की मिट्टी भारत में आप देखेंगे सब में आपको नाइट्रोजन की कमी मिलेगी। इसलिए भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला जो खाद है, खाद मतलब फर्टिलाइजर्स, वो यूरिया है। क्या है? यूरिया है, क्योंकि आप जानते हैं यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो इस वजह से सबसे ज्यादा बिकने वाला खाद कौन सा है? यूरिया है, इस बात को समझिएगा। तो जब कभी एग्जाम में अगर कोई टेक्निकल जैसा पॉइंट पूछे और नाइट्रोजन की कमी को लेकर के ध्यान रखे, तो आप यूनिवर्सल रूप से टिक कर देना कि नाइट्रोजन की कमी लगभग सभी, लगभग नहीं, भारत के सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। अच्छा, एक जब हमने फर्टिलाइजर्स की बात की, तो भारत में जो फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं वो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, पोटेशियम, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। NPK, ये तीन तरीके का जो फर्टिलाइजर्स है वो भारत में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं मिट्टी में, फसल के लिए सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे थे तो NPK की बात में, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। ICAR, इसका नाम है द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो दिल्ली में है। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो दिल्ली में है, ये क्या कहती है कि भारत में जो मिट्टी पाए जाते हैं वो मुख्य प्रकार से 8 प्रकार के हैं। 8 प्रकार की मिट्टी पाया जाता है, 8 कैटेगरीज में इसको इन्होंने बांटा है, 8 कैटेगरीज में। हम यहाँ पे मैप भी दिखाए हैं, उसमें कुछ 6 कैटेगरीज की बात की है, 7वां 8वां कैटेगरीज भी हम मैप पे ही आपको दिखाएंगे यहाँ पे पॉइंट से। तो हम जो भी बात करने वाले हैं मैप से बात करने वाले हैं, और जो कंटेंट है वो हम लोग अभी मैप के बाद देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो मिट्टी में बात करेंगे, सबसे पहला मिट्टी हमारा होगा एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल जिसको हिंदी में जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इंग्लिश में, हिंदी वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे, मैं हिंदी में ही समझा रहा हूं, तब से इंग्लिश का कोई शब्द तो बोला नहीं है, इंग्लिश में सिर्फ लिखा हुआ, तो आप हिंदी में सुन करके लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि भारत में सबसे ज्यादा प्रकार की अगर कोई मिट्टी पाई जाती है तो एलुवियल सॉइल पाई जाती है। भारत के पूरे क्षेत्र का लगभग 43% एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है, मतलब कि दुनिया में जितने भी उपजाऊ मिट्टी होते हैं उनमें ये द बेस्ट है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टियों में से एक है एलुवियल सॉइल जलोढ़ मिट्टी, चलो ठीक है। भारत में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण और जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाता है, ये बात अगर हम यहाँ पे बात करें और उसके कैटेगरीज की भी बात कर ले, तो ध्यान देखिएगा कि भारत में जलोढ़ मिट्टी गुजरात, राजस्थान, हालांकि ये जलोढ़ मिट्टी का पार्ट है, ये देखो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, सम पार्ट ऑफ झारखंड, WB, असम, इन राज्यों में भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मैं फिर से बताऊं कि भारत में जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, बिहार में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में और असम में, इन राज्यों में जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाती है। और भी बहुत जगह पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो कोस्टल एरिया है यहाँ पर भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं AP प्लस तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र में भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है।
दरअसल जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के डिपोजिशन से होता है। अगर आपको प्लेन याद हो, इन प्लेन ऑफ इंडिया, वहां हमने बताया था कि भारत का जो नॉर्दर्न प्लेन है वो एलुवियल सॉयल है और उसको दो भागों, चार भागों में हमने पढ़ा था, भावर, तराई, बांगर और खादर। तो यहां पर सिर्फ मिट्टी की बात कर ले तो बांगर और खादर की बात करेंगे, भावर तराई की नहीं। तो वहां पर भी मैंने ये बात बताया था कि चूंकि सिंधु गंगा या ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी के द्वारा लाए गए जितने भी अवसाद हैं उसको सदियों तक डिपॉजिट किया गया है और उस वजह से जो मैदान का निर्माण हुआ है नॉर्दर्न प्लेन है, ये बात हमने बताया था। अब यहां मिट्टी में मैं क्या बता रहा हूं कि इन्हीं नदियों के द्वारा जो डिपॉजिशन किया गया है सदियों तक, उसमें जो मिट्टी का निर्माण हुआ है वो एलुवियल सॉयल है, वो जलोढ़ मिट्टी है। तो बड़ा सिंपल तरीके से समझिएगा, जो बात हमने पहले कर दिया उसी को मैंने दोहरा दिया है, ठीक है। अब जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है खादर और बांगर और एक होता है खादर, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और खादर नई जलोढ़ मिट्टी है। जब प्लेन की वीडियो आप देखेंगे तो वहां पे बांगर और खादर का जो डिफरेंसेस है हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, तो उसको भी एक रेफरेंस में आप यहां पे देख सकते हैं। लेकिन मैंने यहां पे बांगर और खादर दो प्रकार की मिट्टी बताई, यहां से एग्जाम के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हमने क्या बताया कि कहां कहां पाया जाता है और किस प्रकार बना है, तो नदियों के डिपोजिशन से बना है, सेडिमेंट के। दो प्रकार के होते हैं बांगर खादर। हमने कहा कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वगैरह के इलाकों में भी ये मिट्टी पाई जाती है। तो दरअसल यहां पर भी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या उनके सहायक नदियों के द्वारा जो सेडिमेंट्स लाए जाते हैं उसको मुहाने पे, यानी कि नदियों के मुहाने पे डिपॉजिट किया जाता है और उस डिपॉजिशन में डेल्टा का निर्माण होता है और डेल्टा में कहीं ना कहीं जलोढ़ मिट्टी होती है। हालांकि वो मार्शलैंड के अंतर्गत भी आता है लेकिन यहां पर भी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करते हैं, तो इस पॉइंट को भी आप देखिएगा। तो भारत में कितने परसेंट तक जलोढ़ मिट्टी? 43%, यानी कि भारत के जितने भी मिट्टी पाए जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा कौन सा मिट्टी पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। मैं बात बोल रहा हूं बड़े आराम से समझिएगा, वीडियो को बार बार सुन करके इसको देख लीजिएगा। चलिए, तो ये जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात कर लिए। जलोढ़ मिट्टी के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा प्रकार है हमारे यहां मिट्टी का, वो है रेड और येलो सॉइल। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा रेड और येलो सॉइल है, तो मैं रेड और येलो सॉइल के बारे में बात कर लूं। आप एरिया देखिए पहले रेड और येलो सॉइल का कहां कहां है। आप देखिए ये एरिया झारखंड में है, उड़ीसा में है, ठीक है, क्या बोलते हैं सीएच यानी कि सीजी में है, छत्तीसगढ़ में है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है, ये भी चीज आप यहाँ पे देखे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी आप देख रहे हैं कि ये पाए गए हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मिजोरम में, मणिपुर में यहाँ पर पाए गए हैं, आप ये भी चीज देख रहे हैं। देखो मैंने मैप को आपको हमेशा बताया है कि मैप आपको हमेशा इसी तरीके से मिलेगा, आप मैप के साथ कितना रूबरू है और कितना पहचानते हैं एरिया की, कौन सा एरिया कहाँ है, मैं पहचान रहा हूँ इसलिए मैं लिख रहा हूँ, आप भी हमारे साथ बने रहिए, आप भी पहचानना शुरू कर देंगे और अगर आप घर पे और ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आप अभी भी पहचान रहे होंगे। तो आप देखिए कि झारखंड, उड़ीसा, सीजी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट में लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल रेड एंड येलो सॉइल पाए जाते हैं। अच्छा, इसका रेड कलर क्यों है? तो इसका रेड कलर, इसमें आयरन का जो मात्रा है ना उसके कारण इसमें रेड कलर है, ये रेड कलर की मिट्टी पाई जाती है। अच्छा, कैसे जगहों पे पाया जाएगा? तो वो वैसे जगहों पे पाया जाएगा जो लगभग क्या बोलते हैं पहाड़ी इलाका हो, जहां पे चट्टानी इलाका हो लेकिन वर्षा की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं हो, ठीक है। हालांकि कुछ ऐसे एरिया है जहां वर्षा की मात्रा ज्यादा है वहां भी रेड सॉइल है, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात कर लेते हैं तो वहां पे वर्षा की मात्रा ज्यादा है लेकिन फिर भी वहां पे रेड सॉइल डेवलप हुआ है। लेकिन ऑन एन एवरेज मतलब जो कंडीशन हो वो गर्मी का हो और बारिश की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं हो, एक एवरेज वर्षा हो, तो वहां पे रेड सॉइल का डेवलपमेंट होता है, बशर्ते कि पैरेंट रॉक जो है ना वो चट्टान आयरन ओर का हो, तो उस बात पे भी डिपेंड करता है रेड सॉइल, ठीक है, उस बात पे भी डिपेंड करता है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा एरिया है जहां पे ये पाया जाता है। अच्छा, ये रेड सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं होता है, फिर भी सिंचाई के माध्यम से और फर्टिलाइजर्स के माध्यम से यहां पे खेती किया जाता है। आप जानते हैं कि यहां पे राइस वगैरह और
ज्वार बाजरा वगैरह और भी दूसरे चिली और क्या बोलते हैं स्पाइसेस वगैरह बहुत सारे उपजाए जाते हैं, ग्राउंड नट्स वगैरह हालांकि ग्राउंड नट्स सबसे ज्यादा गुजरात में उपजाए जाते हैं वगैरह उपजाए जाते हैं, ये बात है। हाँ, मैंने एक बात नहीं बताया आपको जलोढ़ मिट्टी के बारे में, यानी एलुवियल सॉइल के बारे में। एलुवियल सॉइल में जितने भी प्रकार के फसल है सब लगा दो, सब हो जाता है, मोस्ट फर्टाइल है। तो इसको लेकर के फसल को चिंता मत कीजिएगा, चावल गेहूं मक्का जो भी कहना वो सब उपजा लीजिए। हालांकि रेड सॉइल में भी ये सब चीजें उपजाई जाती हैं, लेकिन वो फर्टिलिटी के मामले में कमजोर है, लेस फर्टाइल है, और एरिया तो हमने आपको बता ही दिया। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट मिट्टी पे चलते हैं जिसका नाम है ब्लैक मिट्टी, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल पे जब हम चलते हैं, ब्लैक कलर भी कर लेता हूं मैं, ब्लैक सॉइल पे जब चलते हैं तो ब्लैक सॉइल का एरिया देखिए, ये है महाराष्ट्र का एरिया, सॉरी ये है एमपी का एरिया, और ये है महाराष्ट्र का एरिया, कुछ कर्नाटक एरिया, और यहां पर गुजरात में भी ब्लैक सॉइल आपको पाए जाएंगे गुजरात में भी। तो गुजरात महाराष्ट्र और एमपी में काली मिट्टी पाई जाती है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है। सबसे पहले तो एरिया हम डिफाइन कर लिए। ये बनती कैसे है तो देखो, सदियों पहले बनती कैसे वो हम बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। सदियों पहले लावा के निकलने से यानी कि ज्वालामुखी के प्रक्रिया के कारण जो मैग्मा और लावा बाहर निकली और काफी दूर तक फैल गई, जो आप देख रहे हैं इलाका, ठीक है ना, काफी दूर तक फैल गई, तो उस लावा और मैग्मा में समय के साथ और जो क्या बोलते अपरदन होता है, समय के साथ जो उसमें इरोजन होता है उसके कारण जो मिट्टी का निर्माण होता है उसे ब्लैक काली मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी थोड़ा सा उसमें दानेदार होता है, थोड़ा हल्का दानेदार होगा काली मिट्टी का। और दूसरा, जब गर्मी होती है तो काली मिट्टी में क्रैक डेवलप हो जाता है, यानी कि वो फट जाती है मिट्टी। काली मिट्टी गर्मी में क्या होता है, क्रैक डेवलप हो जाता है। और जब उसमें पानी डालेंगे या बरसात के समय में या ऐसे भी सिंचाई के बाद जब वो काली मिट्टी को आप उठाएंगे हाथों में तो वो स्टिकी होगा, चिपचिपा होगा। तो ये काली मिट्टी की पहचान है कि पानी डालने से या बरसात के समय में वो चिपचिपा हो जाता है और गर्मी के समय में सूखे के समय में उसमें क्रैक डेवलप हो जाता है। ये भी बहुत उपजाऊ मिट्टी है, इसकी भी उपजाऊ जो फर्टिलिटी है हाई है, कमजोर नहीं है, हालांकि जलोढ़ मिट्टी से कम है लेकिन फर्टिलिटी हाई है और यहां भी हर प्रकार के फसल उपजाया जाता है। लेकिन काली मिट्टी को दो नाम से जाना जाता है, एक तो कॉटन सॉइल भी इसको बोलते हैं क्योंकि इस जगह पे कॉटन का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले महाराष्ट्र कॉटन में नंबर वन था, आजकल गुजरात कॉटन में नंबर वन है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा कॉटन सबसे ज्यादा कहां उपजाया जाता है तो आप ऑप्शन करेंगे गुजरात, महाराष्ट्र नहीं करेंगे, पहले महाराष्ट्र हुआ करता था। तो ये जो एरिया है वो कॉटन के उत्पादन में बहुत ज्यादा है और ब्लैक सॉइल कॉटन के उत्पादन में बहुत ज्यादा उपयोगी है, तो इस वजह से कॉटन सॉइल भी कहते हैं। और एक दूसरा नाम है जो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, वो है रेगुर सॉइल, इसको रेगुर सॉइल भी कहते हैं ब्लैक सॉइल को। तो हमने ब्लैक सॉइल का एरिया बताया, हमने ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन बताया ज्वालामुखी के टूट फूट के कारण, ये भी बात हमने बताया। और तीसरा हमने बताया कि इसमें किस प्रकार की फसल होती है, चूंकि ये कल उपजाऊ है तो हर प्रकार की फसल होगी, राइस होगी, वीट होगी, मेज होगा, सब होगा, चना ग्राम, जानते हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दलहन उपजाया जाता है, दाल का उत्पादन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है, तो ग्राम वगैरह का उत्पादन, सोयाबीन वगैरह का उत्पादन यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इसे कॉटन सॉइल कहते हैं क्योंकि कॉटन के लिए ये बहुत ज्यादा फेवरेबल है, रेगुर सॉइल भी कहते हैं, ये बात हमने आपको बताया। तो हमने आपको यहाँ पे एक दो तीन प्रकार की मिट्टी की बात कर ली, अब यहाँ पे चौथे प्रकार की मिट्टी है जो लैटेराइट है, जिसका नाम लैटेराइट सॉइल। यहाँ पर देखो लैटेराइट सॉइल, लैटेराइट सॉइल का क्या कंडीशन है, देखो ये रेड सॉइल से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, लेकिन इसके पीछे कंडीशन क्या है कि हाईली रेनफॉल एरिया, माउंटेन का वैसा एरिया जहां पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है, मोर देन 500 सेंटीमीटर, वहां पे लैटेराइट सॉइल डेवलप होता है। ये बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं होता है, हालांकि यहाँ पे काजू का उत्पादन होता है, कॉफी वगैरह का उत्पादन हो सकता है, होता है काजू का उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है लैटेराइट सॉइल, काजू के उत्पादन के लिए। तो लैटेराइट सॉइल में यही एक दो प्रकार की जो फसलें हैं वही उत्पादित होती है, बाकी लैटेराइट सॉइल का सबसे ज्यादा
ज्यादा जो यूज होता है वो ईंट बनाने में, ब्रिक्स, ब्रिक्स बनाने में और घर को बनाने में इसका यूज सबसे ज्यादा होता है लैटराइट सॉइल में, क्योंकि वहां उस मिट्टी में जो भी पोषक तत्व है वो ज्यादा बारिश के मात्रा के कारण निकल जाता है, उसमें से निछालन हो जाती है, उसका अपरदन हो जाता है, इरोजन हो जाता है और वो बह के नीचे की तरफ चलाता है और जो बच जाता है वो लैटराइट सॉइल कहता है, जो कि फर्टिलिटी में बिल्कुल लो होता है। तो किस एरिया में होगा ये सबसे ज्यादा, तो वैसे एरिया में जो माउंटेन रेंज है लेकिन बारिश वहां सबसे ज्यादा है। और भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ है आपने पढ़ा है, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा आप देखिए बेस्टोन घाट में यहां पर है, तो हम कह सकते हैं कि कर्नाटका, ठीक है, कुछ पार्ट केरला का है ना, कुछ पार्ट महाराष्ट्र का, यहां पे आप देख लीजिए जो गारो खासी जयंतिया का इलाका है, मेघालय है, ठीक है, ये लैटेराइट सॉइल का एरिया है, जहां पे मैं बैगनी कलर से वायलेट कलर से कर रहा हूं, ये लैटेराइट सॉइल का एरिया है, लैटेराइट सॉइल, ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है। और आप देख रहे हैं यहां पे बहुत ज्यादा वर्षा का इलाका है, गारो खासी जयंतिया वेस्टर्न घाट की बात हम कर रहे हैं, यहां पर काजू का उत्पादन, कैशू का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, इस बात को समझिएगा लैटेराइट सॉइल का। तो लैटेराइट सॉइल कर लिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा माउंटेन सॉइल का, माउंटेन सॉइल या फॉरेस्ट सॉइल, यानी कि जंगली मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी की जब हम बात करते हैं, तो ये इलाका हिमालय का इलाका है जहां पे इस प्रकार की सॉइल का डेवलपमेंट होता है। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे किस पर किस तरीके से हिमालय के इलाका में यहाँ पे ये क्या बोलते हैं लद्दाख का इलाका है, हालांकि ये कलर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहाँ पे दूसरा कलर कर दूं, ये लद्दाख का इलाका है, जे एन के का इलाका है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम का इलाका है और अरुणाचल प्रदेश का इलाका है, ये आप देख रहे हैं। और इन इलाकों में माउंटेन सॉइल का निर्माण हुआ है, माउंटेन सॉइल नाम से ही पता चल रहा है माउंटेन सॉइल है, तो माउंटेनियस इलाकों में होता है जहां पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, पेड़ पौधे के पत्ते या खर पतवार गिर करके इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण करते हैं। चूंकि ये इलाका में पेड़ पौधे और खर पतवार गिरते हैं और थोड़ा सा बारिश का इलाका होता है, तो उस वजह से क्या होते हैं यहाँ पे यहाँ के जो मिट्टी है वो अंडर डेवलप होते हैं, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होते, इसलिए इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा होता है और अनकंपोज अनडीकंपोज मतलब बहुत ज्यादा डीकंपोज तो हुआ नहीं है, तो अनडीकंपोज मटेरियल भी होता है, इसलिए ये थोड़ा सा एसिडिक इन नेचर होता है, इस तरह के सॉइल एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है, थोड़ा सा एसिडिक इन नेचर होता है माउंटेन प्रकार के सॉइल, अपने कॉपी में आप इसको लिख सकते हैं। और ये पाया कहां जाएगा मैंने बता दिया, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में पाया जाता है और यहां पे डीकंपोजिशन ज्यादा कम होता है। और ये बनता कैसे, पेड़ों के पत्ते उत्ते गिरने से खरपतवार के कारण इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण हुआ है, सदियों से गिरते जा रहे हैं और निर्माण होते हुए चला आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार की मिट्टी में जो फसल उपजाए जाते हैं वो मुख्य रूप से बागवानी फसल होते हैं, बागवानी, चाय वगैरह, कॉफी वगैरह, चाय होगा, कॉफी होगा, यहाँ पे सेब के फसल होंगे, तो इस प्रकार की मिट्टी में इसी प्रकार की फसल होती है, यानी बागवानी फसल होते हैं। हाँ, और इस प्रकार की मिट्टी थोड़ा सा आपको कर्नाटक वगैरह के एरिया में भी आपको दिख जाएगा, क्योंकि कॉफी का उत्पादन आप जानते हैं सबसे ज्यादा कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा, माउंटेन प्रकार की मिट्टी, माउंटेन प्रकार की मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो माउंटेनियस इलाके में पाए जाएंगे, खास करके हिमालय के इलाकों में, वहां पे किस तरीके की फसल होंगे, तो वहां पे सेब वगैरह, चाय वगैरह के फसल होंगे, आप जानते हैं असम वगैरह में या अरुणाचल प्रदेश जो उत्तराखंड वगैरह में उसमें सेब की खेती, असम वगैरह में चाय की खेती बहुत ज्यादा होती है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एरिड या डेजर्ट सॉइल, एरिड या डेजर्ट सॉइल, अब नाम से ही पता चल रहा है कि एरिड या डेजर्ट है, तो ये कहां पे पाया जाएगा, तो ये राजस्थान के इलाकों में पाए जाते हैं मुख्य रूप से राजस्थान के इलाकों में पाए जाते हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा का इलाका भी इसमें शामिल है, तो पंजाब, थोड़ा सा पंजाब का इलाका, थोड़ा सा हरियाणा का इलाका भी इस एरिड सॉइल में शामिल है। तो अगर आप बात करेंगे कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। अच्छा, इसका डेवलपमेंट कहाँ हुआ है, तो वैसे इलाकों में इसका डेवलपमेंट होता है जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। अब मैंने आपको मिट्टी के शुरुआत में बताया था कि जो रेनफॉल है, वर्षा है, वो कहीं ना कहीं मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया को तेज कर देती है। अब चूंकि यहाँ पे बारिश कम है,
50 सेंटीमीटर या उससे कम बारिश होती है एनुअली, और वैसे जगह में बालू के कण ज्यादा होते हैं। तो एरिड सॉइल में एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इसमें बालू के कण यानी कि बालू ज्यादा पाए जाएंगे, एविडेंट पाया जाएगा इस मिट्टी में बालू के कण, ठीक है, सैंड जो पार्टिकल्स वो ज्यादा होंगे। कहाँ पाए जाएंगे? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में। कल्टिवेशन के मामले में बहुत कमजोर होता है, बहुत कमजोर, फिर भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के कुछ पार्ट में, ऐसा नहीं कि पूरा हरियाणा पूरा पंजाब कर लीजिएगा, हरियाणा पंजाब में जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो कल्टीवेशन कमजोर होता है, फिर भी यहाँ पे मोटे अनाज, मोटे ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। अब आप कहेंगे सर राजस्थान में तो बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा होता है, तो राजस्थान में जो बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा होता है उन इलाकों में होता है जहां जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, पहला। और दूसरा, चूंकि राजस्थान में जो नहर निकाली गई इंदिरा गांधी नहर, उस नहर से सिंचाई के उपलब्धता के कारण कुछ अनुपजाऊ मिट्टी में भी पानी और खाद डाल करके लोग उसको उपजाऊ बना दिए हैं और उसमें एक फसल लगाते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मिट्टी के कैरेक्टर है वो नहीं बदल जाएगा। आप जबरदस्ती कहीं पे, अब तो हवा में आप जानते हैं कि चीजों को उपजाया जा रहा है, फसलों को आप जानते हैं पानी में उपजाया जा रहा है, हाइड्रोपोनिक्स हवा में उपजाया जा रहा है, एयरोपोनिक्स, तो इससे क्या होता है कि आपके क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन मिट्टी के कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा। अगर हर चीज को समान छोड़ दे, यानी कि पानी का उपलब्धता जैसा है वैसा ही रहने दे प्रकृति के हिसाब से, खाद वगैरह बिल्कुल नहीं डाले, और उसके बाद फिर देखिए कि राजस्थान में क्या क्या उपजता है, ठीक है ना। तो जो मिट्टी की कैरेक्टर है वो बने रहेंगे, बाकी आप जबरदस्ती करके कुछ भी उपजा लीजिए। खैर, तो एरिड कहाँ पाए जाएंगे? राजस्थान में कुछ पार्ट, थोड़ा सा पार्ट पंजाब में, थोड़ा हरियाणा में, जो राजस्थान का लगता हुआ पार्ट है, ये कल्टीवेशन के मामले में बहुत कमजोर होता है। फिर भी मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, मक्का टाइप के अनाज यहाँ पे उपजाए जाते हैं। और आपसे भी आप जानते हैं कि ज्वार बाजरा में राजस्थान नंबर वन है, मस्टर्ड के उत्पादन में भी राजस्थान नंबर वन है, इस बात को याद रखिएगा। सरसों के उत्पादन में राजस्थान क्या है? नंबर वन है। तो ये चार प्रकार की मिट्टी हम लोगों ने बात कर लिया, सॉरी छह प्रकार की मिट्टियों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब सातवीं प्रकार की मिट्टी जो आप अपने कॉपी में लिख लेंगे वो है मार्सीलैंड। मार्सी, ये मार्सीलैंड कहां पाया जाएगा? ये मार्सीलैंड डेल्टा रीजन में मुख्य रूप से पाया जाता है, डेल्टाई रीजन में, जहां भी डेल्टा होगा वहां पे मार्सीलैंड पाए जाएंगे, या फिर आप यहां पे इसको बोलते हैं कि जहां पे पानी स्टैग्नेंट हो, जहां पानी ठहर जाए तो उसको वेट या मार्सीलैंड कहते हैं। किसी भी तरीके से पानी ठहर जाए, तराई का रीजन, जैसे कि ये तराई का रीजन है, जो यूपी और बिहार के तराई का रीजन है, ये तराई का रीजन, मैंने तराई पढ़ाया है आपको, इस वजह से मैं इतना सिंपली तरीके से बात कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने तराई पढ़ा दिया है, मैंने ये चीजें डेल्टा के बारे में थोड़ा सा बता दिया है, तो सिंपली तरीके से हम चीजों को लेकर के चल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या है कि ये मार्सीलैंड में, चूंकि यहाँ पे पानी का मात्रा है और पानी चूंकि तराई रीजन में या मार्सीलैंड में एक स्टैग्नेंट है, वहां पानी की मात्रा हमेशा है, तो वहां पर जो मिट्टी डेवलप होता है वो मार्सी दलदली प्रकार की मिट्टी डेवलप होती है। पानी ज्यादा है तो दलदली प्रकार की मिट्टी होगी, दलदली प्रकार की मिट्टी होगी तो वहां पे चावल का उत्पादन ज्यादा होगा, क्योंकि उसको पानी ज्यादा चाहिए चावल का। उसके बाद और बहुत ज्यादा फसल यहाँ पे नहीं लगाया जाता, क्योंकि दलदली मिट्टी में कितना फसल आप लगाएंगे, तो चावल यहाँ पे मुख्य रूप से है। और ये डेवलप कहाँ होगा? तो ये डेल्टाई रीजन में, यानी कि गंगा के डेल्टा में, गोदावरी वगैरह के डेल्टा में, कृष्णा के डेल्टा में होगा। तो उस हिसाब से आप राज्यों का नाम लिख सकते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल, आप उड़ीसा लिख सकते हैं, आप आंध्र प्रदेश लिख सकते हैं, बिहार और यूपी के तराई रीजन लिख सकते हैं। यहां पे मार्सीलैंड का डेवलपमेंट होता है, मार्सी मिट्टी का डेवलपमेंट होता है। तराई के मैंने बताया था तराई के बारे में, किसको मार्सीलैंड भी कहते हैं, तराई रीजन को। उसके बाद एक प्रकार की मिट्टी और है, वो है मार्सी के बाद स्लाइन सॉइल या स्लाइन या अल्कलाइन सॉइल। ये स्लाइन एल्कलाइन सॉइल क्या है, कहाँ पाया जाएगा? तो देखो पूरे भारत में मैंने मिट्टी को तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन कर लिया। स्लाइन एल्कलाइन सॉइल का क्या कहानी है कि ये भारत में किसी भी क्षेत्र में पाया जा सकता है, खास करके हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सब इलाकों में। किस वजह से? क्योंकि जहां कहीं भी बहुत गहन कृषि होती है, आप जानते हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार में बहुत गहन कृषि होता है, बहुत गहन, वेस्ट बंगाल में बहुत गहन कृषि, तो जहां कहीं भी बहुत ज्यादा खेती होगा और खेती में सिंचाई और फर्टिलाइजर्स का प्रयोग ज्यादा होगा तो मिट्टी खराब होगी और वो ऐसे मिट्टी स्लाइन हो जाता है, वैसे मिट्टी नमकीन हो जाती है, जो कि नुकसानदायक होता है किसानों के लिए। उस मिट्टी में फिर फर्टिलाइजर्स वगैरह का
यूज करके ही आप उसमें फसल लगा सकते हैं। हालांकि जिप्सम चूना का प्रयोग करके मिट्टी को ठीक किया जाता है, ठीक करने की कोशिश की जाती है। जैसे पंजाब और हरियाणा में ये कोशिश बहुत तेजी से भी चल रही है, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा सिंचाई और इतनी ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज हुआ है कि वहां की मिट्टी कमजोर होने लगा है इन कंपेरिजन टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया। बिहार और यूपी की मिट्टी में भी कमजोरी आ गई है उसके बहुत ज्यादा सिंचाई के वजह से। तो जहां कहीं भी बहुत ज्यादा सिंचाई और बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज होगा वहां पर मिट्टी स्लाइम हो जाएगा, वहां का मिट्टी नमकीन हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। उस मिट्टी को ठीक करने के लिए फिर जो है ना उसको क्योर करने के लिए जिप्सम जैसे चीजों की मिलावट करते हैं, ठीक है ना। तो स्लाइम मिट्टी का कोई एरिया हम यहाँ पे नहीं करेंगे, मैंने आपको बता दिया पंजाब हरियाणा यूपी बिहार और भी जो एमपी का या क्या बोलते हैं आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, कर्नाटक वगैरह का क्षेत्र जहां पे ज्यादा कृषि की जाती है। तो ये 8 प्रकार की मिट्टी हम लोगों ने बता दिया है। इस मैप पे आप देखिएगा, मैं फिर से एक बार पूरे मैप को ऊपर से नीचे नॉर्थ से लेके साउथ तक लेके चलता हूं। ये हो गया माउंटेन प्रकार की मिट्टी 1, ये हो गया आपका एलुवियल सॉयल 2, ये हो गया आपका ब्लैक सॉयल 3, ये हो गया आपका एरिड सॉयल 4, ये हो गया आपका रेड सॉयल 5, ये हो गया आपका क्या बोलते हैं लैटेराइट सॉइल इस जगह पे जहां पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है 6, ये हो गया आपका मार्सी सॉइल यानी कि दलदली जो मिट्टी होती है वो 7, और एल्कलाइन सॉइल जहां पे ज्यादा खेती की जाती है, जहां पे ज्यादा सिंचाई होता है 8। तो ये 8 प्रकार की मिट्टी की बात हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। अब हम क्या देखते हैं कि हमने मिट्टी के बारे में क्या क्या आपको लिखा है और किस मिट्टी के बारे में क्या पॉइंट बनाया है। मैप से हमने आपको बता दिया है, मैप को आप देख लीजिए एक बार अच्छे तरीके से अपने कॉपी में, बार बार वीडियो को रोक करके मैप में जो पेन चलाया हूं उसके हिसाब से आप भी पेन चलाइए, उसको देखिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मैंने क्या क्या बताया और क्या क्या लिखा है। सबसे पहले एलुवियल सॉइल, इसके बारे में अगर हम बात करें तो हमने क्या देखा है कि डिपोजिशन नदियों के द्वारा जो सिल्ट डिपॉजिट किया जाता है उससे एलुवियल सॉइल का बात हुआ था, ये बात हमने कर लिया है। सबसे ज्यादा मात्रा में एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं ये बात भी हम लोगों ने कर लिया है। इसका कंसंट्रेशन क्या है, नॉर्दर्न इंडिया में इसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से पंजाब हरियाणा यूपी बिहार वगैरह में हमने बताया कि इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ये बात हमने बताया। उसके बाद राजस्थान पंजाब हरियाणा में ये बात लिख दिया कि कहाँ कहाँ है, ठीक है। डेल्टा रीजन में भी इस तरह का प्रयोग मिट्टी आपको मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं ये, 2 प्रकार के होते हैं बांगर और खादर, ये बात हमने पहले भी चर्चा किया है। और ये पोरस होता है बिकॉज ऑफ इट्स लोमी लेक्चर, यानी कि इसमें क्ले और सैंड की मात्रा होती है इसलिए ये बहुत ज्यादा पोरस होता है। यहाँ पर पानी वगैरह सूखने की इसमें क्षमता होती है इसलिए बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। और इसमें हर प्रकार के क्रॉप्स, हर प्रकार के फसलों को इसमें उपजाया जा सकता है, बहुत ज्यादा फर्टाइल है, ये बात हमने आपको एलुवियल सॉइल के बारे में बताया। एलुवियल सॉइल के बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे एक एक सॉइल है सबके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एलुवियल सॉइल के बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल, यानी कि फॉरेस्ट सॉइल के बारे में बात करते हैं किस रीजन में पाया जाएगा, तो माउंटेन रीजन में यानी कि हिली, यानी हिली ट्रैक पे जहां माउंटेन है उस जगह पे पाया जाएगा। जगह मैंने बता दिया है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरला वगैरह में ये पाए जाएंगे। और ये किस प्रकार के फसल के लिए सूटेबल है, तो फ्रूट्स, जिसको हम बागवानी फसल कहते हैं, हॉर्टिकल्चर बागवानी फसल, टी कॉफी, इसको हम बागवानी फसल कहते हैं, ठीक है। बागवानी फसल के लिए ये क्या है, सुटेबल है फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल, हमने बहुत सारी बात इसके बारे में कर लिया है। ब्लैक सॉइल के बारे में हमने बताया कि इसको रेगुड सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि कॉटन का उत्पादन यहाँ बहुत ज्यादा होता है, ये बात हमने बताया। ये किस प्रकार बना था, वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ वोल्केनिक लावास, जो वोल्केनो का लावा हुआ और समय के साथ जो उसमें इरोजन हुआ उसके कारण जो मिट्टी बनी है वो ब्लैक सॉइल है, ये बात हमने पहले आपको बताया। ये सीजन ड्राई सीजन में यानी कि गर्मी के सीजन में, शुष्क सीजन में इसमें क्रैक डेवलप हो जाता है, जबकि इसमें रेनी सीजन या वर्षा या पानी डालने से इसमें चिपचिपा हो जाता है, ये बात हमने यहाँ पे आपको बताया। ये भी बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, इसमें भी हर प्रकार की चीजें उपजाई जा सकती है, जैसे कॉटन, मेज, राइस, शुगर केन वगैरह बहुत ज्यादा इसमें आपको, और भी चीज पल्सेज इसमें लिख सकते हैं आप, पल्सेज आप इसमें लिख सकते हैं। कहाँ पाया जाएगा, तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश वगैरह के एरिया में इसको पाया जाता है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश के एरिया, जो कि हमने आपको बताया ब्लैक सॉइल के बारे में, ठीक है। चलिए, ब्लैक सॉइल हम हो गया, आप इसको देखते रहिए और स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारा समय मैप पे दे दिया है तो इस वजह से, ठीक है ना, मैं यहाँ पे थोड़ा तेज करता हूं।
चलिए अब हम लोग बात कर रेड और येलो सॉइल। रेड और येलो सॉइल किस जगह पे आएंगे, ये सबसे सेकंड लार्जेस्ट एरिया है। सबसे पहले तो मैंने ये बात बताया था आपको, कहां पाए क्यों होता है इसका कलर, आयरन ओर के कारण। कहां डेवलप होगा, तो मेटामॉर्फिक रॉक पे जहां पे ज्यादा वर्षा नहीं होता, लो रेनफॉल का मतलब एक एवरेज रेनफॉल हो वहां पे पाया जाएगा। लेस फर्टाइल है, बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं है, फिर भी बाजरा, ग्राउंडनट, पोटैटो, राइस, टोबैको वगैरह के लिए बहुत ज्यादा उत्पादन के लिए सहायक है। आप जानते हैं कि रेड सॉइल आंध्र प्रदेश में है और टोबैको आंध्र प्रदेश में नंबर वन है, सॉरी आंध्र प्रदेश नंबर वन है टोबैको के उत्पादन में, सॉरी। ठीक है, कहां पाया जाएगा, तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और वगैरह, कर्नाटक वगैरह आप लिख सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी लिख सकते हैं, नॉर्थ स्टेट। ठीक है, ये पॉइंट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद हमने लैटेराइट सॉइल के बारे में बात किया था, कहाँ होगा, जहां पे बहुत ज्यादा वर्षा होगा उस जगह पे लैटेराइट सॉइल का डेवलपमेंट होगा। मैंने आपको कहा था कि ये कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है, फिर भी काजू जैसे चीजों का उत्पादन यहाँ बहुत ज्यादा होता है। केरला और कर्नाटक में ये सॉइल पाए जाते हैं। तो सॉइल वाइडली यूज इन मेकिंग ब्रिक्स एंड हाउस कंस्ट्रक्शन, ये बात हमने बताया था कि ईंट के निर्माण में ये निर्माण में काम आता है, जो घर निर्माण में भी है। और कहाँ पाया जाएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, मेघालय वगैरह के एरिया में ये पाया जाता है तरह के मिट्टी। ये बात हमने आपको बताया लैटेराइट मिट्टी के बारे में, पहले भी हमने बात कर लिया था मैप के साथ। तो मैप के साथ जो हमने बहुत सारा बात किया था, इसलिए यहां पे हम तेजी से निकल रहे हैं। एरिड एंड डेजर्ट सॉइल, एरिड एंड डेजर्ट सॉइल, मैंने कहा था कि राजस्थान, थोड़ा सा पार्ट पंजाब और हरियाणा में ये पाया जाएगा। तो ये बात हमने आपको लिखा है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान हमने बताया था। इसमें बताया था कि मिट्टी में बालू के कण आपको ज्यादा पाए जाएंगे, तो हमने यहां पे बालू के कण भी यहां पे डाल दिया है। ये ज्वार, बाजरा वगैरह जैसे खेती के लिए उपयोगी है। और अगर पंजाब, हरियाणा में आप ये जानते हैं कि दूसरा खेती भी होता है, तो यहां पर आप समझिए कि एलुवियल सॉइल भी है। तो आप एकदम से ये मत देखिएगा कि पंजाब, हरियाणा में एरिड और डेजर्ट है। मैंने आपको एलुवियल सॉइल में ही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का नाम लिखा है, तो इस बात को समझिएगा। राजस्थान नंबर वन मस्टर्ड में भी है, आप ये बात आप जानते हैं, तो वहां पर एलुवियल सॉइल भी है, इस बात को समझिएगा। कहां पाया जाएगा, जहां पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। मैंने आपको बताया था कि वर्षा किस तरीके से मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, बहुत तेज करता है, मिट्टी के निर्माण को बहुत ज्यादा फाइन करता है। जहां पे वर्षा कम है वहां पे फाइन प्रकार की मिट्टी नहीं पाया जाएगा, फाइन मतलब जो महीन प्रकार की मिट्टी नहीं पाया जाएगा, वहां बालू के कण ज्यादा होंगे। ये बात हमने आपको बताया था एरिड एंड डेजर्ट सॉइल के बारे में। उसके बाद बेट एंड मार्सी लैंड के बारे में हमने आपको बताया था कि डेल्टाई रीजन में आपको ये पाया जाएगा और तराई रीजन में, दोनों जगह। यहां पर कहां, ड्यू टू एक्सेसिव वाटर, आप जानते हैं तराई रीजन में बहुत ज्यादा पानी होता है, डेल्टा रीजन में भी पानी होगा क्योंकि नदी के भी पानी है डेल्टा रीजन में और समुद्र का भी पानी है, ये बात आप समझिएगा। और तराई रीजन में भी पानी है, आप जानते हैं, क्योंकि जो हिमालय से निकलने वाली नदियां है तराई रीजन में आकर के इमर्ज होती है, वहां पे स्टैग्नेंट हो जाती है क्योंकि वहां पे थोड़ा सा ठहराव उसको मिलता है। तो इस वजह से वहां पे मार्सी सॉइल डेवलप होता है, जो कि चावल के उत्पादन में इंपॉर्टेंट है। ये कहां पाया जाएगा, तो तराई रीजन में, कोस्टल एरिया और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा वगैरह में ये पाए जाते हैं। यहां पे मैंने लिखा है कि फाउंड इन द कोस्टल एरिया और वेयर वाटर स्टैग्नेंट फॉर लॉन्ग टाइम, ये बात हमने यहां पे लिख दिया है। जहां पे पानी बहुत ज्यादा देर तक रुकेगी वहां पर इस तरह की मिट्टी का निर्माण हो जाएगा, होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर रहे हैं। अगला मिट्टी है हमारा स्लाइन एंड एल्कलाइन सॉइल। यहां पे ध्यान रखिएगा ये किस प्रकार से, तो मैंने आपको बताया कि जहां पे बहुत ज्यादा इरिगेशन, एक्सेसिव यूज ऑफ इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर्स, बहुत ज्यादा इरिगेशन और यानी सिंचाई और जो फर्टिलाइजर्स का यूज जहां भी ज्यादा होगा वहां पे इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण हो जाएगा। और मैंने एरिया बताया था कि कहीं भी ये हो सकता है, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कोस्टल एरिया ऑफ गुजरात, डेल्टा रीजन, ये ऐसे जगह है जहां पे ये हो सकता है। अच्छा, डेल्टा रीजन क्यों कहा, क्योंकि डेल्टा रीजन में भी इस तरह की मिट्टी, अब वहां पे जो समुद्र का पानी है वो नमकीन है, तो वहां पर जो मिट्टी होगा वो नमकीन होगा। और इस वजह से जानिएगा कि डेल्टा रीजन का जो मैंग्रोव वन है वो अपने जड़ों को बाहर निकाल करके सांस लेने के लिए बाहर निकालते, तो ये भी पॉइंट यहां पर ध्यान रखिएगा इसको। अच्छा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको नहीं बताया कि स्लाइन सॉइल को लोकल रूप से रेह, कल्लर, उसर नाम भी दिया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि रेह नाम किस सॉइल को दिया जाता है, स्लाइन सॉइल को दिया जाता है, रेह, कल्लर, उसर वगैरह, याद रखिएगा। इसे ट्रीट किया जाता है बाय द मिक्सिंग ऑफ लाइम एंड जिप्सम, ये बात मैंने बताया था कि चूना और जिप्सम के प्रयोग करके इसको ठीक किया जाता है, जो कि हरियाणा और पंजाब में तेजी से ये काम चल रहे हैं, चलते हैं। क्या क्या उपजाया जाएगा, हर चीज, राई, शुगर केन, वीट, टीटीसी, और चूंकि ये मिट्टी तो वही है, ज्यादा सिंचाई करने से आपने खराब कर लिया है, तो उपजाऊ तो होगा ही, उपज तो होगा ही, तो उपजाते हैं लोग।
समय के साथ मिट्टी खराब हो जाती है जब आप ज्यादा यूज इस तरह करते हैं। तो ये सॉइल के बारे में हमने बात किया। आठों तरह के सॉइल को मैंने पहले मैप पे बताया, मैप पे स्केच किया, मैंने एरिया बताया, लिखा, समझाया, और फिर जो कंटेंट हमने आपको लिख के बोर्ड पे रखा है पीपीटी के रूप में वो हमने आपको बताया। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे या लिख लेंगे, ये आपकी मर्जी है। मैप को करना आपको एकदम नेसेसरी है। मैप कर लिए ना तो सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा, हर चीज आपको कवर में आ जाएगा कि कहां पे कैसे होता है। अब चूंकि वर्षा हम पढ़ा चुके हैं तो वर्षा से भी मिट्टी का कोरिलेशन है, जहां ज्यादा वर्षा होगा कहां कम वर्षा होगा, तो किस तरीके से एरिड सॉइल, जहां ज्यादा बहुत ज्यादा वर्षा हो गया माउंटेन पे तो वहां पे लैटेराइट सॉइल। अब आप जानते हैं कहां ज्यादा वर्षा होता है। फिर जलोढ़ मिट्टी, हम प्लेन पढ़ा चुके हैं तो जलोढ़ मिट्टी भी आपके लिए आसान हो गया क्योंकि प्लेन के साथ कोरिलेट करके जलोढ़ मिट्टी आप कर सकते हैं। तो ये बड़े आसान टॉपिक होते हैं, बस आपको दिमाग खुला रखना होता है, चीजों को पढ़ते समय कोरिलेट करना होता है। प्लेन पढ़िए तो जलोढ़ को पढ़िए, वर्षा पढ़िए तो फिर वहां पर भी आपका दिमाग खुला होना चाहिए, कहां वर्षा ज्यादा हो रहा है, फिर वहां पर किस तरीके की वेजिटेशन होगा, वहां पर किस तरीके का मिट्टी भी होगा। हम लोग बात कर रहे हैं फॉरेस्ट ऑफ इंडिया के बारे में, भारत के जंगल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने मिट्टी को बताया था कि एक मैप के सहारे पहले पूरी मिट्टी को हमने समझा दिया था, उसके बाद फिर हम अपने कंटेंट के बारे में बात किया था, उसी तरीके से हम फॉरेस्ट के बारे में बताएंगे कि एक मैप के सहारे आपको पूरा फॉरेस्ट समझा देंगे, उसके बाद फिर हम उस फॉरेस्ट के बारे में लिखा हुआ हर चीज आपको मिल जाएगा। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे हम मैप के सहारे पहले फॉरेस्ट को समझाते हैं, फिर हम यहाँ पे चीजों को लेकर के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये फॉरेस्ट का मैप है, ठीक है, भारत में, और हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फॉरेस्ट के बारे में। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि किस किस प्रकार के फॉरेस्ट हमारे देश में हैं। फॉरेस्ट को समझने के लिए हम दो तरीके से बात करेंगे, एक हमारा बेस होगा वर्षा, एक हमारा बेस होगा क्या, बारिश, वर्षा, वर्षा हमारा बेस होगा, और दूसरा हमारा बेस होगा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक है। दो बेस के आधार पे हम इस फॉरेस्ट को पढ़ेंगे, अपने देश में जो फॉरेस्ट है उसको हम पढ़ेंगे दो बेस के आधार पे। देखते हैं, सबसे पहले वर्षा के आधार पे पढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट के प्रकार है वो किस प्रकार से है, वर्षा को आधार बना करके हम चीजों को पढ़ते हुए चले। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन ग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि सदाबहार वन। सबसे पहला पॉइंट यही है, सदाबहार वन। अब सदाबहार वन वर्षा को बेस में बना रहा हूं, ध्यान रखिएगा, सदाबहार वन की बात करते हैं, आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं ये कहां पाया जाएगा सदाबहार वन, भारत के किस इलाकों में। तो देखिए, हालांकि आपको ग्रीन, बहुत ज्यादा ग्रीन कलर से आपको अंदाजा मिल रहा होगा कि कहाँ कहाँ है, लेकिन अगर हम वर्षा के प्रकार से पढ़े हो, और चूंकि वर्षा हम आपको पढ़ा चुके हैं, क्लाइमेट हम आपको बता चुके हैं, तो वैसे हालात में हम जानते हैं कि ये सह्याद्री है। ये क्या है, सह्याद्री है, जो वेस्टर्न घाट है, और ये क्या है, पूर्वी राज्य है, यानी कि स्टोन रेंज है, पूर्वी राज्य है, और ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का थोड़ा सा क्षेत्र है। अब इन जगहों पे आप देखिएगा कि एवर ग्रीन फॉरेस्ट है। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण ये है कि आप जानते हैं कि साउथ वेस्ट मानसून से यहाँ पे, यानी कि वेस्टर्न घाट जिसको सह्याद्री बोलते हैं, और स्टोन रेंज जो आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टेट, जैसे मेघालय हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गए, मणिपुर हो गए, मिजोरम हो गए, त्रिपुरा हो गया, वेस्ट बंगाल का कुछ एरिया हो गया, तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, जो नाम मैंने लिया उसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पे एवर ग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे। क्यों पाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्षा जो है ना वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एवर ग्रीन फॉरेस्ट, एवर ग्रीन, और मैं वर्षा को पैटर्न बनाया हूं तो मैं लिख देता हूं 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। जहां भी 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगा वहां पे एवर ग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे। वर्षा को मैंने मानक बनाया, इस वजह से मैंने इसको पॉइंट को यहां पे लिखा है, ठीक है ना, कलर चेंज करके मैं लिख दूंगा, ठीक है। वर्षा को चूंकि मानक बनाया, इस वजह से मैंने ये पॉइंट यहां पे लिखा है एक। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो एवर ग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाया जाएगा, आपको समझ में आ गया, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो। और 200 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ है, आपने वर्षा पढ़ा है साउथ वेस्ट मानसून, सह्याद्री यानी वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट। अब इसको स्टेट में अगर आप चेंज करें तो आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र का इलाका है, कर्नाटक का इलाका है,
केरला का इलाका है, यहाँ पे थोड़ा क्या बोलते हैं उड़ीसा का इलाका है, थोड़ा सा वेस्ट बंगाल का इलाका है, पूरा का पूरा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेघालय है, ये आप देख रहे हैं कि पूरा असम का इलाका है, ठीक है, ये आपको नागालैंड का इलाका है, ये मणिपुर का इलाका है, ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, तो ये सारा इलाका आपको समझ में आ रहा है। तो इन सारे स्टेट का नाम आप लिख सकते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में, ठीक है। यहाँ वर्षा का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, पेड़ घने होते हैं, ठीक है, और ये डेसीडियस यहाँ फॉरेस्ट नहीं पाए जाएंगे, ये बात तो हम बता ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे हम लोग एवरग्रीन की बात कर रहे हैं। तो ये पॉइंट है, यहाँ पे इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट जो हमारे यहाँ फॉरेस्ट है वो डेसीडियस है, हालांकि ये दूसरा नहीं, ये पहला है। किस वजह से पहला है, क्योंकि पूरे भारत में आप मैप भी देख रहे हैं सबसे ज़्यादा डेसीडियस फॉरेस्ट भी पाया जाता है, और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि सबसे ज़्यादा किस प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो डेसीडियस फॉरेस्ट यानी पतझड़ वन पाए जाते हैं। अब इस डेसीडियस को भी दो भागों में बांटा है, एक है वेट डेसीडियस, वेट यानी कि नमी पतझड़, वेट डेसीडियस। इसका क्या आधार है वर्षा, मैं फिर से बताऊं तो इसका आधार है, आपको देख लीजिएगा कि जहां पे 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वर्षा हो, ठीक है, वो वेट डेसीडियस का क्षेत्र है, वेट डेसीडियस का क्षेत्र है, ठीक है, 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर का जहां बारिश हो तो वेट डेसीडियस का क्षेत्र है। अब ये इलाका कौन सा है, तो वो देखिए, ये इलाका होगा थोड़ा सा यूपी का इलाका, बहुत सारा यूपी का, बिहार का इलाका, झारखंड का इलाका, छत्तीसगढ़ का इलाका, एमपी का इलाका, महाराष्ट्र का इलाका, कर्नाटका का इलाका, यहाँ पे तेलंगाना का इलाका, क्या बोलते हैं आंध्र प्रदेश का इलाका, उड़ीसा का इलाका, आप यहाँ पे तमिलनाडु का इलाका, ये सारे वेट डेसीडियस या डेसीडियस फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं। इसमें भी एक होता है ड्राई डेसीडियस, ड्राई डिसीजियस किस लिए, क्योंकि यहाँ पे 70 से लेके 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है एनुअल, 70 से 100 सेंटीमीटर, तो ये ड्राई डिसीजियस है, ठीक है, वेट डिसीजियस, ड्राई डिसीजियस, दोनों में अंतर क्या है, तो देखो यहाँ पे जहाँ 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर तक बारिश हो रही है, 100 से 200, वहाँ पे वेट डिसीजियस, वहाँ के पेड़ की बनावट और ड्राई डिसीजियस के पेड़ की बनावट में अंतर होती है। ड्राई डिसीजियस में ज़्यादातर उस प्रकार के पेड़ पाए जाएंगे जो कि हम यहाँ पे राजस्थान वगैरह के इलाके में पाए जाते हैं, यानी कैक्टस, बबूल टाइप का पेड़ पाया जाएगा ड्राई डिसीजियस में, क्योंकि बारिश कम हो रही है ना, तो वहाँ पे पेड़ भी वैसे ही पाए जाएंगे, ठीक है। और ये ड्राई डिसीजियस किस इलाके में पाया जाएगा, तो वो इस इलाके में पाया जाएगा जहाँ वर्षा की मात्रा, जैसे आपने पढ़ा था रैन शैडो एरिया, वर्षा से फिर जोड़ा हूं, रैन शैडो एरिया, तो रैन शैडो एरिया कहां पढ़ा था, महाराष्ट्र, और मैं यहां पे दूसरे कलर से कर दूं, रैन शैडो एरिया महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो एरिया है वो रैन शैडो एरिया है, वहां पे आपको ड्राई डिसीडियस पाया जाएगा मुख्य रूप से महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ क्षेत्र, लेकिन वेट डिसीडियस कहां है, लगभग पूरे भारत में वेट डिसीडियस है। तो सबसे ज्यादा किस प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं हमारे यहाँ, डेसीडियस, और अगर डेसीडियस में भी पूछे किस प्रकार की वनस्पति, तो वेट डेसीडियस है ना, मैक्सिमम वेजिटेशन यही पाया जाता है। हालांकि हर चीज आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आप परेशान नहीं होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा बेड डिसीडियस प्रकार के ही वेजिटेशन या वनस्पति हमारे यहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पे वर्षा से हम चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद एक है हमारा क्या बोलते हैं थ्रोनी फॉरेस्ट, यानी कि थ्रोन फॉरेस्ट, यहाँ पे ट्रॉपिकल थॉरेन, कांटेदार वन। ये कांटेदार वन कहाँ पाया जाएगा, तो कांटेदार वन, फिर से मैं बता दूं, यहाँ पे थ्रोनी लिख देता हूं मैं, ठीक है, तीनों तीन कलर के मैंने बना लिया है। थ्रोनी कहाँ पाया जाएगा, लेस देन 70 सेंटीमीटर का जहां भी क्षेत्र होगा वहां पे कांटेदार वन पाए जाएंगे, जैसे राजस्थान का इलाका, राजस्थान, पंजाब का इलाका, हरियाणा का इलाका, ये ऐसे इलाका है जहाँ पे थ्रोनी फॉरेस्ट पाए जाएंगे, कुछ गुजरात का भी पार्ट, यहाँ पे थ्रोनी फॉरेस्ट पाए जाएंगे, यानी कि इस जगह पे कांटेदार वन, बबूल, कैक्टस, इस तरह का पेड़ पाए जाएंगे। अच्छा, बबूल, कैक्टस वगैरह जो पेड़ पाए जाएंगे, तो आप देखिएगा क्यों, कैक्टस में कांटे होते हैं, कांटे किस लिए होते हैं, कांटे दरअसल
चूंकि यहाँ पे वर्षा की मात्रा कम है तो वो क्या करता है कि कम से कम हम वाटर को श्वसन के जरिए बाहर निकाले, कम से कम हम पानी को श्वसन के जरिए बाहर निकाले, इसलिए वहां पे पत्ते की जगह कांटे होते हैं कैक्टस में, ठीक है ना। लेकिन उसी कैक्टस के पेड़ को अगर आप वैसे एरिया में लेके आ जाए बे डिसीडियस या एवरग्रीन के एरिया में जहां वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है, तो उस कांटे से आप देखेंगे कि पत्ता निकल जाता है। बहुत सारे शौकीन लोग हैं जो कांटेदार पेड़ कैक्टस वगैरह का रखते हैं अपने छत पे, तो वर्षा के महीनों में आप देखिएगा उसमें से पत्ते निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको जितना पानी चाहिए था उससे ज्यादा पानी मिल गया, तो अब वो कांटा सफिशियंट नहीं है वाटर को बाहर निकालने के लिए श्वसन के जरिए, तो वो पत्ता डेवलप हो जाता है और फिर वहां से वो बाहर निकालता है खुद को सस्टेन करने के लिए उस एनवायरमेंट में। तो एनवायरमेंट तो वो राजस्थान का है, आप लेके आ गए बिहार या यूपी या फिर वेस्टर्न घाट के इलाकों में, तो वहां पर वो चीजें थोड़ा सा अलग तरीके से आपको क्या करेगी, वो अपने प्रैक्टिस में लाएगी खुद को सस्टेन करने के लिए, कांटे की जगह पत्ते निकल जाएंगे। लेकिन राजस्थान पंजाब वगैरह के इलाका में वो कैक्टस ही रहेगा, क्योंकि वहां पर नेचुरली जो वर्षा मिल रहा है वो उतना ही मिल रहा है जितना मैं उसको सस्टेन कर सकता है और वो कांटे डेवलप होते हैं। तो इस वजह से ये कांटेदार वन है, छोटे छोटे झाड़ी वगैरह कांटेदार वन, बबूल वगैरह का, बैर वगैरह का, जिसको खैर बोलते हैं, खैर वगैरह का, कैक्टस वगैरह का पेड़ आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो कांटेदार वन है। तो इस तरीके से हमने मुख्य रूप से तीन प्रकार के वन की बात की, एवरग्रीन, डेसीडियस और कांटेदार, एवरग्रीन, डेसीडियस और कांटेदार, और इसको हमने वर्षा से जोड़ा, वर्षा को आधार बना के। एवरग्रीन का वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा एरिया आप खुद पहचानिए क्योंकि आप वर्षा पड़ चुके हैं। डेसीडियस 200 सेंटीमीटर तक, यानी 70 से 200 कर दीजिए, ठीक है, इसको फिर बाद में बांट लीजिएगा ड्राई डेसीडियस और वेट डेसीडियस। और उसके बाद थ्रोनी 70 सेंटीमीटर से कम का एरिया, अब आप एरिया खुद संभालिए क्योंकि आप वर्षा पड़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये वर्षा के हिसाब से हो गया। उसके बाद एक फॉरेस्ट है हमारे पास में जिसको हम बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, या इसको हम टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट या टाइडल। इसको मैं दूसरे कलर से, ब्लैक कलर से कर दूं, ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट या टाइडल फॉरेस्ट, मैं यहां पे टाइडल फॉरेस्ट या मैंग्रोव फॉरेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कहां पाया जाता है? तो हर डेल्टा रीजन में पाया जाएगा ये फॉरेस्ट, ठीक है, गंगा के डेल्टा में, गोदावरी के डेल्टा में, कृष्णा के डेल्टा में, और उसके बाद कावेरी के डेल्टा में, यहां पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाएंगे। और भी है, गुजरात में भी मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट का इलाका है। मैंग्रोव फॉरेस्ट में क्या होता है, इसको टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये दरअसल एक तरीके का झाड़ी टाइप का होता है, ये भी एवरग्रीन ही होते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी एवरग्रीन ही होगा। अब आप बोलेंगे सर एवरग्रीन, तो देखो यहाँ पर भी पानी की मात्रा बहुत है ना, आप देखिएगा कि नदी के द्वारा लाई गई जो पानी होती है, समुद्र का जो पानी होता है, वो दोनों यहाँ पे है, तो पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है तो एवरग्रीन हो जाएगा ऑटोमेटिक, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पानी की मात्रा कम तो है नहीं कि वो डेसीडियस होगा। तो ये भी एवरग्रीन ही होते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। एक दूसरा इनका काम क्या है, ये झाड़ी की तरह होते हैं, बड़े बड़े होते हैं लेकिन झाड़ी की तरह होते हैं। और इनका सबसे इंपॉर्टेंस है कि टाइडल से, यानी कि जो समुद्र के टाइड होते हैं उससे कोस्टल एरिया को या कोस्ट के रीजन को क्या करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोस्ट के रीजन को प्रोटेक्ट करते हैं टाइड से। बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज्यादा रिच होते हैं और यहां पे बहुत ज्यादा जंगली जानवर वगैरह भी पाए जाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सुंदरबन, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है, सुंदरबन, किसका, मैंग्रोव का। मैंग्रोव का सबसे अच्छा एग्जांपल सुंदरबन है, और आप जानते हैं सुंदरबन एक भारत का और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का वन है, और इसका नाम सुंदरबन इसलिए क्योंकि यहाँ पे सुंदरी ट्री पाया जाता है, सुंदरी पेड़ पाया जाता है, इसलिए इसका नाम सुंदरबन है। ये सारी बात आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आप बस बात को समझिए। तो ये सुंदरबन है, ठीक है, तो मैंग्रोव वन, टाइडल वन, दोनों को एक ही तरीके का, लिट्रोल वन भी इसको बोलते हैं, स्वैम्पी वन भी इसको बोलते हैं, तो ये सब एक ही जैसे नाम है, सब आपको लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। और बायोडाइवर्सिटी में रिच होते हैं, इनका काम आपको मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीजें हमने बताया। पाया कहाँ जाएगा तो डेल्टा रीजन में पाया जाएगा, ये बात ही बता दिया। अब एक वन हमारा बच जाता है, मैंग्रोव हो गया ना हमारा यहाँ पे, मैंग्रोव हो गया, अब एक बच जाता है हमारा माउंटेन फॉरेस्ट या माउंटेनियस फॉरेस्ट। माउंटेनियर फॉरेस्ट जैसे कि आप नाम से जानते हैं, जिस तरीके से हमने माउंटेन स्वैल पढ़ा था नाम से ही, तो माउंटेन रीजन पे डेवलप होगा माउंटेनियस फॉरेस्ट। दरअसल ये एल्टीट्यूड के बेस पे इस फॉरेस्ट को पढ़ते हैं, तो दूसरा बेस हमारा मिल गया एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड के बेस पे किस तरीके से पढ़ते हैं उसको हम थोड़ा सा एक बार ध्यान में रखते हैं। देखिए
जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पे बढ़ते जाते हैं यानी ऊंचाई पे बढ़ते जाते हैं, वन के प्रकार में चेंज होते जाता है। और ये एग्जाम्पल हमारे हिमालय से ज़्यादा बेहतर और कहीं नहीं हो सकता है दुनिया में, क्योंकि दुनिया हिमालय सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे है भारत दुनिया में, और उसकी तराई रीजन भी है। तो तराई रीजन से लेकर के, मैं यहाँ पे तराई लिख दूँ, तराई रीजन से लेकर के हायर एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई तक जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, वैसे वैसे जो वृक्ष है उसके पैटर्न में चेंज आता है। सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, आप बस समझिए। जैसे कि अगर तराई रीजन तक की बात करें यानी 1500 मीटर तक की हम बात करें, तो यहाँ पे डेसीडियस फॉरेस्ट पाया जाएगा, डेसीडियस यानी पतझड़ वन पाए जाएंगे। इसी जगह पे जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होता है, खास करके स्टोन रीजन में, जो ये रीजन है जो अरुणाचल प्रदेश वगैरह का एरिया है और हल्का सा तराई है, वहाँ पे एवरग्रीन पाया जाएगा। तो जहाँ वर्षा होगा, फिर से ये देखो रैन बेस आ गया, जहां पे वर्षा होगा वहां पे एवरग्रीन, जहां वर्षा होगा कहां वहां क्या होगा एवरग्रीन, सब हर चीज लिखा हुआ मिल जाएगा, आप बस देखिए, ठीक है ना। उसके बाद जब 1500 मीटर से ऊपर हम बढ़ते हैं, लगभग 2800 मीटर तक या 3800 मीटर तक जब हम ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3800 मीटर तक, तो आपको कोनीफेरस ट्री पाया जाता है, कोनीफेरस यानी टैगा वन, कोनीफेरस या टैगा, कोनीफेरस या टैगा वन पाया जाता है। टैगा, कोनीफेरस का मतलब जिसके पेड़ का आकार कोनीफेरस होता है, देवदार, स्प्रूस, ये सब पेड़ होते हैं, कोनीफेरस होते हैं, पेड़ का आकार कोन के जैसा होता है, जिसको क्रिसमस ट्री भी आप बोलते हैं, उसको टैगा वन भी कहा जाता है, टैगा फॉरेस्ट भी कहा जाता है। उसके बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं, तो इसी बीच में मैं एक दूसरे कलर से कर दूं, हरे कलर से, 2800 से लेकर के और 4800 तक के मीटर के बीच, ये हरा वाला जो है ना, यहाँ पे आपको अल्पाइन ट्री पाया जाएगा, अल्पाइन ट्री, एप्रिकॉट वगैरह जो अल्पाइन ट्री होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ अल्पाइन ट्री, अल्पाइन फॉरेस्ट पाया जाएगा। देखो, तो ऊंचाई के साथ चीजें बदल रही है, नीचे ऊंचाई पे डेसीडियस है और वही उसी के समानांतर जहां पे ज्यादा बारिश हो रही है तो एवरग्रीन है, थोड़ा सा ऊपर ऊंचा उठते हैं तो कोनीफेरस है, टैगा है, क्योंकि वहां पे बर्फ होता है तो टैगा वन है यानी कि कोनीफेरस ट्री है। उसके बाद और ऊंचा होते हैं तो 2800 से 4800 के बीच ये दोनों एक दूसरे को, यानी कोनीफेरस और अल्पाइन एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को ट्रांजिशन जेन में है, मैंने एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो 2800 से 4800 के बीच अल्पाइन पाए जाएंगे। और उससे ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं पाया जाएगा, नो वेजिटेशन हायर एल्टीट्यूड में सबसे ऊंचाई पे, क्योंकि वहां बर्फ ही बर्फ है तो कोई वेजिटेशन नहीं होगा। हाँ, टुंड्रा प्रकार के वन भी जरूर पाया जाता है, तो टुंड्रा प्रकार के वन को भी हम इन्हीं इलाकों में रख लेते हैं, अल्पाइन के इलाकों में ही हम यहाँ पे रख लेते हैं। लेकिन हायर एल्टीट्यूड पे चलते हैं तो वहां पे नो वेजिटेशन है, किस लिए, क्योंकि वहां पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, तो वहां पे किसी प्रकार का कोई भी वनस्पति नहीं पाया जाएगा। तो ये हो गया हमारा एल्टीट्यूड के बेस पे, यानी कि आप देखो तराई रीजन से जैसे जैसे ऊंचाई उठते हैं हमारा बदलते जाता है, डेसीडियस भी है जहां ज्यादा वर्षा वहां वेर है, उसका कोनीफेरस है, फिर अल्पाइन है और फिर नो वेजिटेशन है, ठीक है। तो हमने दो आधार पे आपके वन को पढ़ाया, एक वर्षा के आधार पे जैसे मैंने बताया एवरग्रीन, डेसीडियस और थ्रोनी, जिस प्रकार का वर्षा होगा, एक पढ़ाया एल्टीट्यूड के आधार पे और एक हमने अलग से मैंग्रोव पढ़ाया। तो इसको इसी तरीके से आप भी देखिए, एक वर्षा, अब चूंकि मैंने इस तरीके से देखा है और इसको समझा है मैप पे, तो हमको ये चीजें बड़ा आसान लगता है, तो इस वजह से आप भी इसको देखिए और उसी तरीके से समझिए, आपको भी ये चीजें आसान लगने लगेगी। वर्षा के आधार पे पढ़ लीजिए, इतना वर्षा होगा तो यहाँ, अब वर्षा कहाँ होता है, आंख बंद करके ध्यान रखिए, अच्छा वेस्टर्न घाट पे बहुत वर्षा होता है तो वहां पे एवरग्रीन होगा, वर्षा के आधार पे पढ़ लो। उसके बाद ऊंचाई के आधार पे, अच्छा ऊंचाई के आधार पे हिमालय पे ऊंचाई, अच्छा कोनीफेरस होगा, अल्पाइन होगा, नीचे में डेसीडियस होगा, जहां वर्षा होगा वहां पे एवरग्रीन होगा, तो ऊंचाई के आधार पे हो गया। अब कोस्टल इलाका में डेल्टा के रीजन पे थ्रोनी, सॉरी क्या बोलते हैं, डेल्टा के रीजन पे डेल्टा फॉरेस्ट या मैंग्रोव फॉरेस्ट होगा। तो ये बड़ा आसान है, ठीक है, और इन्हीं चीजों को हमने आप लिख करके बताया है किस तरीके से, वो आप देखिए एक एक पॉइंट जो लिखा है उसको आप एक बार मैं फिर से आपके सामने एक्सप्लेन कर दूं, चूंकि मैप पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इस कहाँ पाया जाएगा, तो जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा है, मैंने ये बात बता दिया है। इलाका कौन सा, सह्याद्री यानी वेस्टर्न घाट, सह्याद्री यानी वेस्टर्न घाट का मतलब क्या होता है, वेस्टर्न घाट का मतलब होता है कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला का इलाका,
प्लेटू ऑफ शिलोंग ये क्या है, मेघालय का इलाका है। गारो, खासी, जयंतिया, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, ये इलाका है जहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है। कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, महोगनी, बम्बू, केन, सिंकोना, रबर वगैरह के पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद हम सीधे थ्रोनी पे आ जाते हैं, थ्रोनी पे यानी कि राजस्थान का इलाका जहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम है। तो यहाँ पे लिखा मैंने 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा है। यहाँ पे थ्रोनी लीव्स किस लिए है, क्योंकि वो वाटर वेपर को कम से कम करे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इवेपोरेशन को कम करे, ठीक है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का इलाका चूंकि 70 सेंटीमीटर से कम का वर्षा का इलाका, तो यहाँ पे थ्रोनी ट्री पाए जाएंगे। बबूल, खैर, डेट, कैक्टस, ये सब यहाँ के प्रमुख ट्री होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट डेसीडियस के बारे में, यानी कि पतझड़ वन के बारे में। ये पतझड़ है, पतझड़ वन के बारे में, इसको हमने दो भागों में बांटा है। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि मैक्सिमम एरिया ऑफ इंडिया कवर्ड बाय डेसीडियस फॉरेस्ट, इसमें भी अगर हम बताएं कौन सा, तो बेड डेसीडियस, ठीक है। तो इसको हमने दो भागों में बांटा, बेड डेसीडियस 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल है, और हम इसको मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं, मानसूनी फॉरेस्ट बोलते हैं। ये बात हमने नहीं बताया था, तो आप अपने कॉपी में जहां मैं समझा रहा था लिखा होगा वहां पे कर लीजिएगा। इसको मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। कहां पाया जाएगा, तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, लगभग पूरा भारत में पाया जा रहा है बेड डेसीडियस, ठीक है। उसके बाद इस समय जो पेड़ है इसका, टीक है, साल है, मैंगो है, महुआ है, सीसम है, खैर है, सैंडल है, ये सब इलाके, ये सब इसके क्या है, इंपॉर्टेंट पेड़ है, इंपॉर्टेंट पेड़ है। उसके बाद ड्राई डेसीडियस, ये कहाँ पाया जाएगा, 70 से 100 सेंटीमीटर का जो वर्षा है वहाँ पे पाया जाएगा। तो ये कहाँ पाया जाएगा, राजस्थान के कुछ वैसे पॉइंट जहाँ 70 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा है, मध्य प्रदेश का वेस्टर्न मध्य प्रदेश, मालवा वगैरह का रीजन जहाँ पे कम वर्षा है, पंजाब, हरियाणा जहाँ पे 70 सेंटीमीटर ज़्यादा वर्षा है, या रेन शैडो एरिया ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, ये भी बातें यहाँ पे हम लिख सकते हैं। जो वहाँ पे ये पाया जाएगा पेड़ वही होगा जो थ्रोनी का हो, लगभग खैर, महुआ, बबूल, कैक्टस, ये सब यहाँ पे पाए जाएंगे। तो हालांकि ड्राई डेसीडियस और बेड डेसीडियस इसको बांटने का कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारे पास नहीं था, हमको सिर्फ डेसीडियस पढ़ा देते तो ये सारा पॉइंट एक साथ आ जाता और मैं लिख देता 70 से 200 सेंटीमीटर के एरिया के बीच को डेसीडियस फॉरेस्ट कहते हैं और पूरे भारत को उसमें हम इंक्लूड कर देते। तो इस वजह से मैंने पहले ही लिख दिया कि मैक्सिमम इंडिया जो है ना डेसीडियस फॉरेस्ट में पाया जाता है, पतझड़ वन में ही पाया जाता है, ठीक है। ये बात हो गया, हम कर सकते थे ना 70 से 200 सेंटीमीटर का एरिया लिख देते और पूरे भारत उसमें समाहित हो जाओ, बात खत्म, फिर हम सीधे लेके चले जाते थ्रोनी में और उधर एवरग्रीन, बात खत्म, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे बांट दिया, थोड़ा सा आपको पढ़ने के लिए आसान हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ बात कर रहे हैं टाइडल फॉरेस्ट के बारे में। टाइडल फॉरेस्ट में हम क्या देखते हैं, इसको मैंग्रोव भी बोलते हैं, फॉरेस्ट लिट्रल और स्वयं फॉरेस्ट भी बोलते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट लिट्रल और स्वयं फॉरेस्ट भी बोलते हैं टाइडल फॉरेस्ट को। ये कहाँ पाया जाएगा, तो मार्सी एरिया या डेल्टा रीजन, रिवर के, नदियों के डेल्टा रीजन, कौन से नदी में, तो आपने पढ़ा गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारे रीजन में यहाँ पे पाए जाएंगे इसको। ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये बात हमने आपको बताया था। इस तरह के पेड़ जो कि नमकीन पानी में पाए जाते हैं इसको हैलोफाइट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है, इंपॉर्टेंट है, मैंने नहीं बता पाया तो मैं आपको लिख देता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। हैलोफाइट्स कहा जाता है क्योंकि नमकीन पानी का पेड़ है। आप जानते हैं कि समुद्र जहाँ भी क्या बोलते हैं डेल्टा है, वो समुद्री रीजन है, समुद्र का पानी और नदी की पानी का मुहाना है, तो वहाँ पे नमकीन पानी होगा और वो नमकीन प्रकृति की मिट्टी भी होगी, तो उसी मिट्टी में जो फसल या जो भी पेड़ पौधे होंगे उसको हैलोफाइट्स कहा जाता है। चलिए ठीक है, इसका काम क्या है, तो ट्री प्रोटेक्ट द कोस्टल रीजन फ्रॉम टाइड एंड साइक्लोन। मैंने आपको बताया कि कोस्टल रीजन को ये पेड़ प्रोटेक्ट करते हैं। सुंदरबन इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, जहां पे सुंदरी ट्री पाया जाता है, सुंदरी ट्री पाया जाता है, इसलिए इसका नाम सुंदरबन है। बायोडाइवर्सिटी में रिच होता है क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे बाघ वगैरह, शेर, हर तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, चूंकि वहां पे पानी है तो बायोडाइवर्सिटी में रिच होंगे ही। एरिया कौन सा है, तो देखो वेस्ट बंगाल, सुंदरबन, उड़ीसा का, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वगैरह का एरिया है, और भी अंडमान निकोबार, केरला, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र वगैरह का एरिया है जहां पे इस तरह का पेड़ पाया जाएगा, टाइडल फॉरेस्ट पाए जाएंगे। यह बात हमने आपको पहले भी बताया है कि जहां भी समुद्र का किनारा होगा वहां पे टाइडल फॉरेस्ट पाए जाएंगे, जहां भी टाइड होगा वहां पे पाए जाएंगे। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं माउंटेन वेजिटेशन। हमने कहा था कि एल्टीट्यूड के आधार पर किस तरीके से वेजिटेशन को करते हैं, तो यहां पर देखिएगा क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज विथ इंक्रीजिंग हाइट, तो इंक्रीजिंग हाइट एल्टीट्यूड
नहीं होता है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग हाइट ऑल्सो चेंज इन वेजिटेशन, कैसे देखो 1500 मीटर पे डेसीडियस, ये बात हमने आपको बता दिया था इस तरीके से करके, ठीक है। उसके बाद 1500 से 35 मीटर कैनिफेरस, जिसको टैगा फॉरेस्ट भी कहते हैं, किस प्रकार के पेड़ होंगे, तो देवदार, स्प्रूस, सिल्वर फर, चेर, ये सब बात हमने बताया था, चीड़ वगैरह पाए जाएंगे। हैवी रेनफॉल ऑफ ईस्टर्न हिमालय, अगर पूर्वी हिमालय का जो हैवी रेनफॉल का एरिया है वहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाएगा, जैसे ओक, मैगलीना, लोरल जैसे पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि 1500 मीटर तक ही अगर कम वर्षा है तो डेसीडियस है, ज्यादा वर्षा है तो एवरग्रीन है, ये बात हमने आपको बता दिया था जब एल्टीट्यूड की बात कर रहे थे मैप के पास में। उसके बाद 2800 से 4800 जो मीटर है वहां पे अल्पाइन ट्री पाया जाएगा, ये बात हमने बताया, कोनिफेरस और अल्पाइन एक दूसरे को क्या करती है, एक दूसरे को ओवरलैप करती है, कोनिफेरस और अल्पाइन। यहाँ पे किस तरह का पेड़ पाए जाएंगे, तो चिनार, एप्रिकोट वगैरह, अल्पाइन ट्री पाए जाएंगे। और हायर एल्टीट्यूड पे नो वेजिटेशन, क्योंकि वहां पे बर्फ ही बर्फ होता है, तो वेजिटेशन नहीं पाया जाएगा। तो ये कुछ पेड़ पौधों के बारे में हमने बताया कि कहाँ पे किस प्रकार का पेड़ है, किस रीजन है, मैंने क्षेत्रों के नाम भी बताया, वहां पे क्या पेड़ पाया जाता है। वर्षा का आधार, एल्टीट्यूड के आधार, आप एकदम एग्जाम में याद रखिएगा वर्षा आपके आधार पे, क्योंकि कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और वर्षा को अगर आप कंसेप्ट बना ले, एक आधार बना ले, तो आपका एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपके मन में चल रहा होगा कि चूंकि यहाँ पे वर्षा बहुत ज्यादा होती है तो यहाँ पे एवरग्रीन होगा, यहाँ पे वर्षा का मात्रा इस प्रकार का है तो यहाँ पे इस प्रकार का पेड़ होगा, जहां वर्षा का मात्रा कम होगा वहां पर किस प्रकार का पेड़ होगा, यानी थ्रोनी और डेसीडियस के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब आप कॉन्सेप्चुअल चीजों को देखते हैं और कॉन्सेप्ट के बेस पे एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वर्षा और एल्टीट्यूड को आप अपना आधार बनाएंगे और उस आधार पे रट्टा नहीं मारेंगे, बस आपको समझने की कोशिश करना है कि कहीं वर्षा हो रहा है, कहीं पे ऊंचाई ज्यादा है, तो किस प्रकार का पेड़ पाया जाएगा, ठीक है। ज्यादा ऊंचाई पे कोनिफेरस होगा, क्योंकि बर्फ की को नीचे उसको गिराना है। चलिए, तो ये बात हम लोगों ने फॉरेस्ट के बारे में कर लिया है। आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अगर किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट कीजिएगा। हम सिर्फ कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट अगर आपका मजबूत हो जाता है तो आप चीज़ों को बड़े तरीके से देखते हैं और आपको पढ़ने में मन भी लगता है, क्योंकि ये तो हम जानते हैं ऐसा करके। हम लोग बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के बारे में, यानी कि कृषि के बारे में बात करेंगे, भारत के कृषि के बारे में बात करेंगे। एक बात ध्यान में आप रखिएगा कि इससे पहले जो हम लोगों ने फॉरेस्ट के बारे में बात किया था तो वहां पर कुछ चीजें मेरा छूट गया था, कुछ पॉइंट्स जो हमको डिक्टेट करना था वो हमारा छूट गया था। तो हम एग्रीकल्चर पे बात करें उससे पहले थोड़ा सा दो चार लाइन हम फॉरेस्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब मनाते हैं, तो 21 मार्च को मनाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया कितना है, तो 21.54% है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, चूंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसलिए इस दोनों पे ध्यान दीजिएगा, वीवीआई है। टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया 21.54% है, लेकिन टोटल फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर एरिया सबको मिलाकर के 24.56% है। तो इसको ध्यान में आप रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इस यहां से क्वेश्चन पूछेंगे। तो दूसरा वाला प्रोबेबिलिटी होगा, या दूसरा वाला प्रोबेबिलिटी नहीं, दूसरा वाला आंसर होगा अगर आप टोटल फॉरेस्ट की बात यहां पे किया जाएगा तो। ऑप्शन में आप लोग 24.56 के आसपास जो भी ऑप्शन रहेगा उसको टिक कर लेंगे। ऑप्शन थोड़ा सा वेरी कर सकता है इधर से उधर, क्योंकि डेटा जो है ना अगर चेंज हो जाएंगे थोड़ा सा, तो ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है, डेटा ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। चलिए, एक स्टेट विथ मिनिमम फॉरेस्ट कवर एरिया हरियाणा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हैं पहले भी, आगे भी पूछेंगे कि सबसे कम जो फॉरेस्ट कवर स्टेट है वो कौन सा है, तो हरियाणा है। परसेंटेज वाइज भी और किलोमीटर में भी, यानी कि इन परसेंट में और किलोमीटर में भी, दोनों तरह से हरियाणा जो है ना सबसे कम कवर फॉरेस्ट है। उसके बाद स्टेट विथ मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर एरिया, यानी कि ऐसा स्टेट जो सबसे ज्यादा कवर करता है फॉरेस्ट एरिया का परसेंटेज में, यानी कि प्रतिशत में, तो वो मिजोरम है। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा है एग्जाम में, तो इसको आप गलत मत कीजिएगा, मिजोरम है। यानी मिजोरम एक ऐसा स्टेट है जो मैक्सिमम कवर करता है परसेंटेज वाइज। स्टेट विथ मिनिमम नहीं यहाँ बेटा, मैक्सिमम, ये गलत हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा मैक्सिमम लिख देता हूं मैं, मैक्सिमम, ठीक है। स्टेट विथ मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर एरिया किलोमीटर में मध्य प्रदेश है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गलत से मिनिमम हो गया था, ये मैक्सिमम होगा। मैं फिर से बता दूं कि स्टेट विथ मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर एरिया मिजोरम है परसेंटेज में, ठीक है, और स्टेट विथ मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर एरिया मध्य प्रदेश है किलोमीटर में। तो परसेंटेज वाइज मिजोरम है और किलोमीटर वाइज मध्य प्रदेश है, इस दोनों को ध्यान में रखिएगा। मैंने कहा कि एग्जाम का क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको डाला है आपके एग्रीकल्चर, सॉरी
एग्रीकल्चर के वीडियो में फॉरेस्ट को थोड़ा सा दो पॉइंट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया वेस्ट बंगाल है, आप जानते हैं मैक्सिमम मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया वेस्ट बंगाल ही होगा क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन जो है ना वो सुंदरवन है। दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? सुंदरवन है। तो ये बात आप जानते हैं और सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है तो इस वजह से यहाँ पे एग्जाम का क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस देयर शुड बी 31-34% फॉरेस्ट एरिया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे हैं कि इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए कितना परसेंट होना चाहिए, तो 31-34% होना चाहिए इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने फॉरेस्ट के बारे में बात कर लिया था, फॉरेस्ट के कुछ पॉइंट्स जो हमारा छूटी है तो उसके बारे में बात कर लिया है। अब हम आगे बात करते हैं जो आपका टॉपिक है, यानी कि हमारा टॉपिक क्या है? एग्रीकल्चर। तो हम आप आगे एग्रीकल्चर के बारे में बात आपसे कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? एग्रीकल्चर के भी कुछ बेसिक्स पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे फटाफट, और कुछ जो चीजें छूट जाएगा वो हम परियोजना यानी कि जो प्रोजेक्ट्स वगैरह इरिगेशन के प्रोजेक्ट चलते हैं उसमें हम एग्रीकल्चर के इरिगेशन वगैरह के पार्ट को हम कवर कर लेंगे। लेकिन यहां पर हम फटाफट कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश की रीढ़ है, यानी कि जो कृषि है वो हमारे देश की बिल्कुल बैकबोन है। हमारे देश का 50% आबादी एग्रीकल्चर में पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर में काम करता है। वैसे बिना खेती के तो आप खाना खा नहीं सकते हैं। वैसे किसानों का आंदोलन चल रहा है, मैं उसके ऊपर बाद में बात कर लूंगा। बिना खेती के आप खाना तो खा नहीं सकते, इस बात को आप जानते हैं, ठीक है? तो भारत का जो 50% आबादी है, 50% जो पॉपुलेशन है, उसका जो काम है वो खेती बाड़ी ही है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके वर्क फोर्स का 50% खेती बाड़ी में जुड़ा हुआ है, तो कितनी बड़ी आबादी को खेती ने रोजगार दिया हुआ है, यह बात आप समझ सकते हैं। यह बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है एक। लेकिन यहां पे इसका क्या बोलते हैं, दूसरा पॉइंट भी है जो इसके ठीक पलट है कि जिस किसी भी देश में एग्रीकल्चर में जितनी ज्यादा आबादी इन्वॉल्व हुआ है वो देश इकोनॉमिकली उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है। यह भी एक फैक्ट पॉइंट है इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने क्या कहा उसको समझिएगा, जिस किसी भी देश में अगर वर्क फोर्स का जो पॉपुलेशन है, जो कामगार आबादी है, अगर ज्यादातर एग्रीकल्चर पे डिपेंड है तो इसका मतलब है कि उस देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं है। इस बात को आप अच्छे तरीके से समझिएगा, यानी कि किसी भी देश की इकोनॉमी को अच्छे होने के लिए आपको या तो सेवा क्षेत्र टर्शियरी सेक्टर या फिर आपको सेकेंडरी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपको काम करना होगा, तभी देश को ज्यादा आप डेवलप कर सकते हैं। ये इकोनॉमिक्स के हिसाब से हमने बात बताया। और आप जानते हैं कि भारत का 50% वर्कफोर्स पॉपुलेशन किस पे? एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। और भारत की इकोनॉमी कहने के लिए तो हम दुनिया में बहुत बड़े-बड़े इकोनॉमी से आगे हो गए हैं, लेकिन हम लोग क्या है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, जहां पे आज भी बहुत बड़ी आबादी बिलो पॉवर्टी लेवल है, खाना नहीं मिलता है। खैर चलिए हम उसके बारे में बात कर लेंगे जब गरीबी की बात करेंगे तब। चलिए अब अगला पॉइंट इकोनॉमी के हिसाब से अगर मैं बात किया तो दो चार पॉइंट हम इकोनॉमी का ही इसमें डाल दें। एग्रीकल्चर जो है ना प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आता है एज पर इकोनॉमी। और पूरे जीडीपी में एग्रीकल्चर का यानी प्राइमरी सेक्टर का जो योगदान पार्टिसिपेशन है वो 70% है, योगदान जो है ना वो 17% है, 17% है, इस बात को याद रखिएगा। यानी कि प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर या उसके एलाइड इंडस्ट्रीज का योगदान कितना है? 17%। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। इकोनॉमी का क्वेश्चन समझ लीजिए या फिर आप ज्योग्राफी का क्वेश्चन समझ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए ठीक है, अगला हम बात करते हैं आगे। अब एक बात कर लेते हैं पॉलिटी के हिसाब से, एग्रीकल्चर जो है ना वो स्टेट लिस्ट का मैटर है। हमने आपको बताया था शेड्यूल 7 में लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंक्रेंट लिस्ट। तो एग्रीकल्चर किस लिस्ट का मैटर है? 6 स्टेट लिस्ट का मैटर है एग्रीकल्चर। उसके बाद अगला पॉइंट है फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो 2020-21 में हुआ है, यानी कि अनाजों का उत्पादन जो 2020-21 में हुआ है वो एक रिकॉर्ड उत्पादन है और वो 308.65 मिलियन टन हुआ है। याद रखिएगा 2020-21 में अनाजों का उत्पादन 308.65 मिलियन टन हुआ है। अनाजों में यहाँ पे हम गेहूं की बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम चावल की बात कर लेंगे, दाल की बात कर लेंगे, मक्के की बात कर लेंगे, अन्य कोई भी अनाज हो सबको मिला करके यहाँ पे बात किया जाता है। तो अनाज में हम 308.65 मिलियन टन अनाज उपजा है 2020-21 में, ये बात याद रखिएगा।
और भारत का जो क्लाइमेटिक रीजन है उसके हिसाब से 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में बांटा गया है, एग्रीकल्चर के क्लाइमेटिक रीजन के हिसाब से 15 क्लाइमेटिक रीजन में बांटा गया है, इस बात को समझिएगा। एक चीज और मैं आपको यहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दूं, जो मैं आपको हमेशा से देते रहा हूं कि जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है ऑल टोल्ड मिला जुला करके अनाज के उत्पादन में सबसे बड़ा जो अपना स्टेट है वो है यूपी, यानी कि अनाज उत्पादन में सबसे ज्यादा कौन सा है, उत्तर प्रदेश यूपी। अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि अनाज उत्पादन में नंबर वन स्टेट कौन सा है तो यूपी है, इस बात को ध्यान में आप रखिएगा, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। हालांकि ऐसे इंफॉर्मेशन और भी आपको देते रहेंगे और आगे भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आप अपने कॉपी में कुछ चीजों को चलाते रहेंगे, पेन आपका चलता रहना चाहिए। चलो ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर से पॉइंट था, हमने कुछ एग्रीकल्चर के इकोनॉमी के बारे में बात किया, जीडीपी से थोड़ा सा हमने जोड़ा, वर्कफोर्स पॉपुलेशन को जोड़ा और उसके बाद थोड़ा सा स्टेट लिस्ट की बात किया। अब हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं कि भारत में जो किसान है उसका लैंड होल्डिंग कैसा है, भारत में जो किसान है उसका लैंड होल्डिंग कैसा है। तो आप देखिए कि भारत में जो किसान है उसका मैक्सिमम किसान मार्जिनल लैंड होल्डिंग में है, 67% किसान जो है ना वो मार्जिनल लैंड होल्डिंग में है, यानी कि 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है, और स्मॉल लैंड होल्डिंग 1 से 2 हेक्टेयर है। स्मॉल लैंड होल्डिंग में क्या थे, 1 से 2 हेक्टेयर, मीडियम लैंड होल्डिंग में 2 से 10 हेक्टेयर और लार्ज होल्डिंग में 10 हेक्टेयर, यानी कि 10 हेक्टेयर से ज्यादा वाले किसान आते हैं। तो 10 हेक्टेयर से ज्यादा वाले किसानों की संख्या सबसे कम है और सबसे ज्यादा मार्जिनल लैंड होल्डिंग वाले किसानों का है। मुख्य रूप से अगर हम बात कर दे तो इसको मार्जिनल लैंड होल्डिंग किसान को हिंदी में सीमांत किसान कहते हैं, सीमांत, हिंदी वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, ठीक है, सीमांत किसान कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सीमांत किसान, ये सीमांत किसान होते हैं मार्जिनल लैंड होल्डिंग वाले, जो कि सबसे ज्यादा इसी प्रकार के किसान है हमारे देश में। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ खेती बाड़ी का क्या कंडीशन है, जमीन कितने टुकड़ों में बटा हुआ है, खेती कितने कम लोगों में, जो मैक्सिमम खेती है 10 हेक्टेयर से ज्यादा वाले लोग बहुत कम है और सबसे ज्यादा वाले लोग वैसे किसान है जिसकी जमीन बहुत कम है। तो जब जमीन कम है तो उपजाऊ भी कम होगा, यानी कि जो प्रोडक्टिविटी है वो कमजोर हो जाएगा। बड़े बड़े जो खेत होते हैं उसमें प्रोडक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि वो खेत जो जिसको चकबंदी बोलते हैं अच्छे हिंदी शब्दों में, तो जो चकबंदी होते हैं बड़े बड़े खेत जिसको बनाया जाता है छोटे छोटे खेतों को जोड़ करके, तो वहां उत्पादन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू स्मॉल क्या बोलते हैं खेतों में। और चूंकि सबसे ज्यादा भारत के बाद ये स्मॉल खेत वाले ही हैं तो आप उत्पादन पे फर्क यहां भी पड़ता है। चलिए ये एक बात हो गया, और आबादी का दबाव भी यहाँ पे पड़ता है, इसको भी आप समझिएगा, आबादी का दबाव यानी कि जो पॉपुलेशन का प्रेशर है वो और उत्पादन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ध्यान यहाँ पर एक चीज देने वाली है कि जितने भी बात हमने किया कि मार्जिनल किसान सबसे ज्यादा है, सबसे कम 10 हेक्टेयर से ज्यादा वाले हैं, इस तरीके से हमने बंटवारा किया, पॉइंट यह है कि सबसे ज्यादा किस प्रकार की फसल हमारे देश में उपजाई जाती है और सबसे बड़ा एरिया में कौन सा फसल उपजाया जाता है, दोनों बात, सबसे बड़ा एरिया किस फसल के लिए रकबा उपजाया जाता है और सबसे ज्यादा खेती किस फसल की होती है। सिंपल है, राइस हैव मैक्सिमम शेयर ऑफ टोटल क्रॉप लैंड एज वेल एज प्रोडक्शन, यानी कि जो चावल है वो सबसे ज्यादा एरिया भी कवर करता है और सबसे ज्यादा वहां पर क्या होता है उसका प्रोडक्शन भी है चावल का ही अपने देश में। अपने देश में मुख्य खाद्य पदार्थ भी चावल है, ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आया है और इसलिए ये तीनों क्वेश्चन को यहां पे मैंने एक साथ चर्चा कर दिया। पहला, सबसे ज्यादा लैंड कवर एरिया, दूसरा क्वेश्चन यहां पे आएगा मुख्य खाद्य पदार्थ है ना, मेन फूड ग्रेन है चावल, आपका भारत में चावल मेन फूड ग्रेन है, और तीसरा मैक्सिमम प्रोडक्शन चावल का ही हमारे यहां होता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन, ठीक है, ये पॉइंट है जिसको आप समझिएगा। ये तीनों एग्जाम का क्वेश्चन बना है कि सबसे ज्यादा लैंड कवर एरिया, जो कि मैंने यहां पे लिख दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन हमारे यहां, और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि हमारे देश में जो खेती की जाती है उसको किस प्रकार से सीजन में बांटा है, क्रॉप सीजन। तो देखिए मुख्य रूप से 3 क्रॉप सीजन है, ए बी सी, 3 क्रॉप सीजन है, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और जायद क्रॉप। जरा देखते हैं रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और जायद क्रॉप क्या क्या है। देखिए रबी फसल जो होते हैं ना वो अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है, मार्च अप्रैल में काटा जाता है रबी फसल,
यानी कि ये ऑलमोस्ट इसका जो समय है वो ठंडी में ज्यादा बीतती है, ठंडी का समय है, ठंडी का समय है। अब इसको याद रखने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप अगर खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं तो आप याद कीजिए कि आप ठंडी में कौन कौन से फसल उपजाते हैं। अगर आप खेती बाड़ी से नहीं भी जुड़े हुए हैं और कहीं ट्रेवलिंग करते हैं, कहीं जाते आते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि ठंडी के समय में कौन कौन सा फसल उपजाया जाता है। तो अगर इस तरीके से एक एक कॉमन सेंस डेवलप करके अगर इसको याद करें तो वो ज्यादा याद हो जाएगा। जैसे देखिए ठंडी के समय में वीट, ठीक है, क्या है, गेहूं, वार्ले, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, पोटैटो, यानी कि गेहूं, जौ, चना, क्या बोलते हैं, सरसों, आलू, ये सारे चीजें जो है ना ठंडी के दिनों में ही उपजाया जाता है, सारे चीजें ठंडे के दिनों में ही उपजाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये रबी का फसल है, ठीक है। इसमें दलहन का भी एक फसल है जिसका नाम है मसूर, ठीक है, मसूर, मसूर भी उगाया जाता है। चलिए ठीक है, अब अगला बढ़ते हैं खरीफ फसल। खरीफ फसल कब है, जून जुलाई से लेकर के अक्टूबर नवंबर। अब इसको अगर आप फिर से कॉमन सेंस यहां पे डेवलप करें तो ये रेनी सीजन है, बरसात का समय है हमारे देश में, रेनी सीजन है हमारे देश में, ये बरसात का समय है, बरसात का, ठीक है ना। अब बरसात के समय में कौन सा फसल लगता है, तो फिर से अगर किसान है तो उसको कोरिलेट कीजिए अपने खेतों से, अगर कहीं आते जाते हैं तो उसको कोरिलेट कीजिए अपने आने जाने से। तो बरसात के समय में जो फसल लगता है उसको देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है राइस, क्योंकि इसको धूप भी चाहिए और इसको क्या चाहिए, पानी भी चाहिए। ज्वार, बाजरा, मक्का, ग्राउंडनट, कॉटन, रागी, सोयाबीन, दुनिया भर के फसल है जो कि बरसात के समय में खरीफ के फसल के रूप में जाना जाता है। तो मैं इसको जो याद रखने की कोशिश कर रहा हूं वो क्या है, खरीफ का फसल यानी बरसात में होगा। बरसात कब शुरू होता है हमारे यहाँ, जून जुलाई, जून में शुरू हो जाता है, अक्टूबर नवंबर यानी लौटते हुए मानसून तक की हमारी बरसात होती है, और उस समय कौन सी फसल है, यही खरीफ फसल है। ठंडी हमारे यहाँ शुरू होता है, वैसे तो दिसंबर और जनवरी मुख्य रूप से ठंडी है, लेकिन दिसंबर, जनवरी, फरवरी तीन महीने हम ठंडी में करते हैं, लेकिन रबी का फसल हमारा अक्टूबर नवंबर में बुआई हो जाता है और फिर मार्च और अप्रैल में जाकर के ये कट जाता है। तो ठंडी का पूरा जो समय है वो रबी के फसल में बीत जाता है। उसके बाद जायद क्रॉप, अब जायद क्रॉप कब से शुरू होता है ये पहले देखिए, मार्च अप्रैल से जून जुलाई, ये मार्च अप्रैल से जून जुलाई क्या समय होता है हमारे देश में, बहुत ज्यादा गर्मी का समय होता है, बहुत ज्यादा गर्मी का, मार्च अप्रैल से जून जुलाई हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी का समय होता है। और वैसे में वैसा फसल आपको मिलेगा जिस फसल में पानी की मात्रा ज्यादा हो, यानी कि जैसे सब्जियां, सब्जियों में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे कि मैंगो, आम में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, लीची, इसमें पानी की मात्रा होती है, उसी प्रकार से और भी फसल है, तरबूज, खरबूज, इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। तो याद रखने के लिए बात में बता रहा हूं कि जायद फसल जो गर्मी में होता है वैसा फसल है जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जिस फल को इनटेक करने के बाद हमारे शरीर में पानी की मात्रा बने रहे वैसे फसल गर्मी में होंगे। देखो कौन कौन से, वाटर मेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, बिटर ग्राउंड, लेडी फिंगर, तो ये पॉइंट है, इसको ऑप्शन, लेडी फिंगर वगैरह जो है ना वो सब्जियों में आप यहां पे लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया सब्जियां, सब्जियां, ठीक है, वेजिटेबल्स हिंदी में लिखा हो तो उसका मतलब ये नहीं, वेजिटेबल्स, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, रबी जो क्रॉप सीजन है वो हमारा रबी, खरीफ और जायद है, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप पॉइंट को। रबी में ठंडी के सीजन में जो फसल होती है, खरीफ यानी कि बरसात के सीजन में जो फसल होती है, और जायद यानी कि जो गर्मी के समय में जो हमारे यहाँ फसल होती है। बहुत सारे लोग खरीफ को गर्मी से जोड़ लेते हैं, दरअसल गर्मी का सीजन खरीफ है ही नहीं, गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर जरूर 35-40 तक रहता है, लेकिन है कि यहाँ पे बरसात शुरू हो जाती है ना, मानसून शुरू हो जाता है। हमारा देश थोड़ा सा मानसूनी, थोड़ा सा नहीं, पूरा का पूरा मानसूनी जलवायु है, जैसा कि आपने जलवायु में पढ़ा था। तो जून जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर ये हमारे यहाँ बरसात का समय है, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून के और लौटते हुए मानसून का, यानी रिट्रीटिंग मानसून का। तो इस वजह से यहाँ पर हम बरसात का समय खरीफ के लिए कहते हैं। गर्मी अगर आप कोई कहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, गर्मी को जायद में रखे, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्रॉप सीजन को और कुछ क्रॉप इंपॉर्टेंट को हमने यहाँ पे बात किया है।
अब हम लोग देखते हैं कि क्रॉप के कैटेगरीज को जो कि हमारे यहाँ उपजाया जाता है, हम किस किस कैटेगरी में इसको बांट के रखते हैं। सबसे पहले तो फूड ग्रेन है, वैसा क्रॉप जो खाने में यूज होता है जो फूड ग्रेन है, ठीक है। फूड ग्रेन जैसे कि राइस है, वीट है, मेज है, मिलेट है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, पल्सेस है, ये सारे के सारे फूड ग्रेन है, तो इसको हम फूड ग्रेन में रखते हैं। और मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम फूड ग्रेन का उत्पादन यूपी में होता है, मतलब ऑल टोल्ड अगर अलग अलग देखे तो फिर ये गड़बड़ हो जाता है। जैसे राइस अगर हम अलग से देखे तो वेस्ट बंगाल है, वीट अलग से देखे तो यूपी है, मेज अलग से देखे तो कर्नाटका है, तो अलग अलग हम देखे तो अलग हो जाता है, लेकिन अगर ऑल टोल्ड फूड ग्रेन देखे तो हमारा उत्तर प्रदेश होता है। चलिए कैश क्रॉप, ऐसा क्रॉप जिससे हमें, जिसको कमर्शियल क्रॉप भी बोलते हैं, जिससे हमें पैसा आता है, ठीक है ना, जिससे हमें पैसा आता है, जिसको हम बाजार में बेचते हैं, इसको आप समझिएगा, जिसको बाजार में बेचते हैं, इसको हम इनटेक नहीं कर सकते हैं। इनटेक करेंगे आप छोटे लेवल पे, अगर बड़े लेवल पे आपने उपजाया है तो उसको आपको बेचना ही होगा, उसको आप नहीं रख सकते हैं। जैसे कॉटन, कॉटन को किस तरीके से इनटेक करेंगे आप जब तक इंडस्ट्री में कॉटन नहीं देंगे तब तक उससे कपड़ा बुन के नहीं आएगा, और फिर कपड़ा फिर आपके इनटेक यानी कि वो आपके कंज्यूम का पॉइंट हो जाएगा। जैसे जूट, जूट को आप कैसे इंटेक करेंगे, आप अपने घर में अगर जूट की चीजें बनाना जानते हैं तो थोड़ा बहुत बना सकते हैं, लेकिन अगर बड़े मात्रा में आपका उत्पादन है तो आपको इंडस्ट्री में लेके जाना होगा। तो कैश क्रॉप का मतलब ये होता है कि जो भी उपज है उसको आपको किसी ना किसी तरीके से इंडस्ट्री पहुंचाना ही होगा, ये कैश क्रॉप है। जैसे सुगर केन, इसको आप इंडस्ट्री, टोबैको, अब कुछ खाने खाने वाले लोग होते हैं लेकिन पूरा का पूरा खेत तो नहीं खा सकते हैं, ठीक है। वाइल्ड ग्राउंडनट्स, लिंसिड, मस्ट, तो ये कैश क्रॉप के अंतर्गत आते हैं, कैश क्रॉप, ठीक है। लेकिन फूड ग्रेन, राइस वगैरह इंटेक करने का चीज है, मैक्सिमम अगर आपने उत्पादन एक हद तक किया तो मैक्सिमम आप इंटेक ही करेंगे। तो कैश क्रॉप और फूड ग्रेन में एक अंतर होता है, इसको आप समझिएगा। प्लांटेशन क्रॉप, वैसे क्रॉप जो प्लांटेशन है, जिसकी प्लांट किया जाता है, टी, कॉफी, स्पाइसेस, ये प्लांटेशन है। बागवानी का क्रॉप में एप्पल, पियर, एप्रिकॉट, एलमंड, मैंगो, बनाना, ये सब क्या है, बागवानी है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप है। तो ये है क्रॉप के कैटेगरीज, हमने बताया फूड ग्रेन क्रॉप, कैश क्रॉप। कैश क्रॉप से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसको आप बिल्कुल मतलब वीवीआई कर ले, और कैश क्रॉप का पूरे पॉइंट को अपने कॉपी में आप लिख ले, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कैश क्रॉप से, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देखते हैं जो एग्रीकल्चर का एलाइड इंडस्ट्री है उससे हम पॉइंट को देखते हैं। जैसे सिल्वीकल्चर, कल्टिवेशन ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप, ठीक है। सेरिकल्चर, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। हॉर्टिकल्चर, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, या हॉर्टिकल्चर में जो बागवानी है। पीसीकल्चर, फार्मिंग ऑफ फिश, ठीक है। एपीकल्चर, हनी यानी कि मधुमक्खी पालन। ओलेरिकल्चर, प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, सब्जियों का प्रोडक्शन, ठीक है। विटीकल्चर, ये ग्रेप्स यानी कि अंगूर के प्रोडक्शन से है। फ्लोरिकल्चर, फ्लावर के यानी कि फूल के प्रोडक्शन से है। एरियोपोनिक्स यानी कि वैसे फसल जो हवा में उपजाया जाता है उसको एरियोपोनिक्स कहते हैं। और हाइड्रोपोनिक्स जो कि वाटर में उपजाया जाता है बिना मिट्टी के सहायता के, तो वैसे फसल जो बिना मिट्टी की सहायता के वाटर में उपजाया जाता है दैट इज हाइड्रोपोनिक्स, और वैसे फसल जो एयर में उपजाया जाता है, हवा में उपजाया जाता है, दैट इज एरोपोनिक्स, बिना मिट्टी के सहायता के। तो यहाँ पे हमने कुछ कल्चर्स के बारे में बात किया है और कुछ पोनिक्स। अब यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा कि अगर कुछ कल्चर छूट गए होंगे तो आप उसको जब पढ़ते हुए या ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते हुए आपको अगर मिलेगा तो आप इसको अपने नोट्स में कर लीजिए और उस नोट्स में आप ऐड करते चलिएगा। ये एक पॉइंट होता है नोट्स को मजबूत बनाने का, ठीक है। जितना आपको बताया गया उतना तो कर ही लीजिए, उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा आपको मिलता है पढ़ते हुए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हुए, तो आप उसको नोट कर लीजिए। इससे क्या होता है कि आपका नोट्स मजबूत होते चला जाता है और फिर आप उसमें बिल्कुल ही कंफर्ट महसूस करते हैं। तो इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, इसको अच्छे तरीके से आप देख लीजिए। चलिए एग्रीकल्चर के अगले पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। आगे हम लोगों ने बात किया है कि कौन ऐसा स्टेट है जो अपने अपने यानी कि किसी ना किसी फसल में नंबर वन है। यहाँ पे नंबर वन की ही सिर्फ बात हुई है, तो मैं देखता हूं कि यहाँ पे कौन कौन से फसलें हैं और नंबर वन कौन कौन सा स्टेट है अपने फसल में। राइस में वेस्ट बंगाल, यहां से क्वेश्चन पूछते हैं इस वजह से मैंने इसको यहां पे लिखा है। राइस में वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल चावल में सबसे ज्यादा उत्पादन है। अब यहीं पे कहा जाता है कि चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। इस पॉइंट को आप एक बार कॉपी में अपने लिख लीजिएगा। वीट यानी गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर वन है। मक्के के उत्पादन में, सॉरी मैंने कर्नाटक कह दिया था, आंध्र प्रदेश नंबर वन है। ज्वार के उत्पादन, वैसे आप इसको क्रॉस चेक जरूर करेंगे। मैं यहाँ पे एक चीज में बता दूं, मुझे पढ़ाने से पहले एक बात मुझे बताना चाहिए था कि ये क्रॉस चेक का मैटर है। क्रॉस चेक,
क्यों ऐसा मैंने कहा है इसको आप अच्छे समझिए। ये जो नंबर वन वाली स्थिति है ना, ये चेंज हो जाता है, ईयर में चेंज हो सकते हैं। जैसे कहीं पे कुछ रेगुलर चल रहा है तो चल रहा है, जैसे पहले हम लोग स्पाइसेस के बारे में केरला कहते थे, फिर बाद में आंध्र प्रदेश आ गया स्पाइसेस में, तो चेंज होते रहते हैं, इस बात को आप अच्छे तरीके से समझिएगा। तो उस चेंज को आपको ध्यान में रखना है। वैसे मैं आपको बताता हूं, लेकिन एक मैटर ऑफ क्रॉस चेक है। अच्छा, क्रॉस चेक करने से क्या होगा कि आपको एक विश्वास हो जाएगा कि नहीं ये सही है एक, और दूसरा कहीं अगर कुछ गड़बड़ है तो वहां पे काट करके जो क्रॉस चेक में आपने लिखा है उसको आप लिख लीजिएगा जो क्रॉस चेक में आपको मिला स्टेट, क्योंकि ये चेंज होते हैं। मैं फिर से बार बार बताऊं, मैंने भी बहुत चेक करके लिखा है, तो कोशिश किया कि मैं बिल्कुल सही सही आपको बताऊं, बिल्कुल प्रेजेंटली डेटा मैं आपके साथ शेयर करूं, फिर भी अगर कुछ गलती हो जाएगा तो उसके लिए माफ कीजिएगा, लेकिन क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। चलिए, ज्वार में महाराष्ट्र है, बाजरा में राजस्थान स्थान है नंबर वन, टोटल पल्सेस में मध्य प्रदेश है, टोटल वाइल्ड सीड में फिर से मध्य प्रदेश है, वाइल्ड सीड टोटल में मध्य प्रदेश है, बनाना में आंध्र प्रदेश है, ऑरेंज में महाराष्ट्र है, ग्रेप्स में महाराष्ट्र है, एप्रिकॉट में हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि एप्रिकॉट जो है ना हायर एल्टीट्यूड पे होता है तो हिमाचल प्रदेश ऑटोमेटिक होगा ही, हालांकि हायर एल्टीट्यूड के ही तीन ऑप्शन दे दे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तो वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे आप, तो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। ग्राम यानी कि चना में मध्य प्रदेश है, अरहर में महाराष्ट्र है, अब अरहर में भी पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये चेंज हुआ है तो इसको भी एक बार ध्यान रखिएगा। ग्राउंडनट में गुजरात है, सोयाबीन में मध्य प्रदेश है, मस्टर्ड राजस्थान है, सनफ्लावर कर्नाटका है, चाय में असम है, टर्मरिक में आंध्र प्रदेश है, कोकोनट में केरला है, ये चेंज हुआ है इसको एक बार ध्यान रखिएगा, मैंगो में उत्तर प्रदेश है, एप्पल में जेएनके है इसको भी एक बार ध्यान रखिएगा, ठीक है, सुगर केन में उत्तर प्रदेश है, टोबैको में आंध्र प्रदेश है, कॉटन में गुजरात है, कभी महाराष्ट्र हुआ करता था, जूट में वेस्ट बंगाल है, रबर में केरला है, कॉफी में कर्नाटक है, ब्लैक पेपर केरला है, कार्डामम केरला है, चिलीज में आंध्र प्रदेश है, मखाना में बिहार है और लीची में बिहार है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपको फसल का नाम बताया है और उसके नंबर वन स्टेट के नाम बताएं। इसमें हो सकता है कि कुछ फसल मेरे से छूट गया होगा, तो उसको लेकर के चिंता करने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने आपको बताया ये मोर देन इनफ है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो आप इसको टिक कर लेंगे, और जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मेज पूछे जाते हैं, टर्मरिक, चिलीज के बारे में, चिली के बारे में पूछा जाता है, काजू के बारे में जो कर्नाटक है, कैसू वो मैंने नहीं लिखा वो पूछा जाता है, कार्डामम्स तो नहीं, लीची भी अगर एक आध बार एग्जाम में पूछा गया तो लीची में तो एकमात्र बिहार ही है और मखाना में एकमात्र बिहार है, तो इसको पॉइंट को तो आपको बिहार ही करना पड़ेगा, तो शुगर केन वगैरह, तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहां पे ध्यान में रखने लायक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, एक यहां पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कृषि आपने नाम सुना होगा, झूम कृषि। दरअसल ये क्या है झूम कृषि, तो ये लोग क्या करते हैं ना, खास करके ये आदिवासी तरह के लोग करते हैं कि पेड़ों को काट करके उसको खेती योग्य जमीन बनाना, पेड़ों को काट के जला करके खेती योग्य जमीन बनाते हैं, उसमें खेती करते हैं, फिर उसको कुछ साल एक दो सालों के लिए छोड़ देते हैं, कहीं अलग जाकर खेती करते हैं, फिर से वहां पे आके खेती करते हैं, तो ये शिफ्टिंग कृषि भी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं या झूम कृषि भी कहते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग नाम है, जैसे कि असम में झूमिंग यानी झूम कृषि, मेघालय मिजोरम में भी झूम कृषि ही कहा जाता है, मेघालय मिजोरम असम में झूम कृषि कहा जाता है, पमलौ मणिपुर में इसको पमलौ कहा जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है इस वजह से मैंने यहाँ पे डाला है, मणिपुर में इसको क्या बोलते हैं, पमलौ बोलते हैं, अंडमान निकोबार वगैरह के इलाकों में इसको दीपा बोलते हैं, दीपा बत्सर, छत्तीसगढ़ के बत्सर में भी इसको दीपा बोलते हैं, तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा कि झूम कृषि का अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है, मुख्य रूप से झूम जानते हैं जो असम वगैरह में है, असम मेघालय मिजोरम में, और इंग्लिश में इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, खेतों को सॉरी जंगलों को जला करके पेड़ों को काट करके खेती योग्य जमीन को बनाना। अब थोड़ा सा देखते हैं एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां पे हमने डाला है, यहां से भी एग्जाम के क्वेश्चन रहते हैं, ये बीबीआई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, शिमला, यानी कि आलू का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, शिमला में। डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, करनाल में। बफेलो की रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, हिसार में। पल्सर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, कानपुर में। शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ में। कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, नागपुर में। राइस इंस्टीट्यूट कहाँ है, कटक में। टोबैको का कहाँ है, राजामुंद्री आंध्र प्रदेश।
और नेशनल ओनियन का कहाँ है, पुणे में, ओनियन और गार्लिक का पुणे में। तो हमने क्या बताया, पोटैटो के बारे में शिमला, डेरी का करनाल, बफेलो का हिसार, पल्सेज का कानपुर, शुगर केन का लखनऊ, कॉटन का नागपुर, और राइस का कटक, टोबैको का राजामुंद्री आंध्र प्रदेश, और क्या बोलते हैं, ओनियन का पुणे। ये बात यहाँ पे हो गया आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। अब कुछ रिवोल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा रिवोल्यूशन के बारे में, देखिए ग्रीन रिवोल्यूशन अनाजों के लिए, अनाजों में भी सबसे ज्यादा अगर हम बात करें ग्रीन रिवोल्यूशन में, तो वीट और राइस यानी कि गेहूं और चावल, इसमें भी अगर सबसे ज्यादा बात करें तो गेहूं, गेहूं के उत्पादन में सबसे ज्यादा ग्रीन रिवोल्यूशन की योगदान रहा है। ग्रीन रिवोल्यूशन हमारे जो भारतीय इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन है वो स्वामीनाथन है, और वर्ल्ड वाइड फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन है कौन सा, नॉर्मन बोरलॉग, मैक्सिको के रहने वाले थे। तो वर्ल्ड वाइड ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर है नॉर्मन बोरलॉग, मैक्सिको के रहने वाले, और इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन है एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। ब्लैक रिवोल्यूशन पेट्रोलियम से, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, लोग कोयला टिक करके आ जाते हैं। ब्लैक रिवोल्यूशन पेट्रोलियम से, ब्लू रिवोल्यूशन फिश से है, ब्राउन रिवोल्यूशन लेदर प्रोडक्शन से है, गोल्डन, अच्छा ब्राउन रिवोल्यूशन को लेदर प्रोडक्शन के साथ साथ गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है, सिल्वर फाइबर कॉटन को कहा जाता है, ग्रे रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर से, ऑपरेशन फ्लड मिल्क से है, गोल्डन रिवोल्यूशन फ्रूट प्रोडक्शन से, पिंक रिवोल्यूशन ओनियन और प्रॉन से है, प्रॉन मतलब झींगा, झींगा मछली जो आप जानते हैं वो है, ठीक है। रेड रिवोल्यूशन मीट और टोमेटो है, राउंड रिवोल्यूशन पोटैटो है, सिल्वर रिवोल्यूशन एग है, व्हाइट रिवोल्यूशन मिल्क, व्हाइट रिवोल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड, ये दोनों बात ध्यान में रखिएगा। वर्गीज कुरियन इससे जुड़े हुए, वर्गीज कुरियन जिन्होंने अमूल का भी स्थापना में सहयोग दिया था, तो ये ध्यान रखिएगा वर्गीज कुरियन। येलो रिवोल्यूशन वाइल्ड सीड है, ग्रीन रिवोल्यूशन बैम्बो है। तो ध्यान रखिएगा ये पॉइंट यहाँ पे है, ग्रीन गोल्ड है बैम्बो, तो ये पॉइंट है जिसको आप ध्यान रखिएगा रिवॉल्यूशन को लेकर के। तो एग्रीकल्चर में हमने बहुत बेसिक बेसिक बातें आपको बताया है, यानी कि शुरुआत में हमने कुछ जीडीपी से जुड़ी हुई बात की, और फिर उसके रिवॉल्यूशन वगैरह के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात एग्रीकल्चर से किया है, इसको भी ध्यान में आप रखेंगे। उसके बाद एग्रीकल्चर से जुड़े हुए और भी जो पॉइंट है उसको हम, जैसे सिंचाई वगैरह का है, तो उसको एक अलग वीडियो में परियोजना के साथ बात करेंगे, तो वहां पे और ज्यादा क्लियर से हम इसको बात कर पाएंगे, ठीक है। हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन एक दो एग्जाम के रहते हैं जिसको आप कभी मिसलेनियस फैक्ट्स में भी पढ़ते हैं। ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, यानी कि पूरे भारत में कहीं भी अगर डैम बनाया गया है इंपॉर्टेंट तरीके से, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और ये किस तरीके से इंपॉर्टेंस है हमारे उद्योग, इसका इंपॉर्टेंस कितना है हमारे देश में, हमारे इकोनॉमी में, उसके ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले हम उसी बात की बात करें कि इसका उपयोग कितना हमारी इकोनॉमी में। तो आप एक बात मैं आपको बताता हूं, नाम सुना होगा आपने जवाहरलाल नेहरू, नाम सुना है कि नहीं, जवाहरलाल नेहरू, इनका नाम सुना होगा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक कोटेशन उनका था जो कि एग्जाम में भी क्वेश्चन बन जाता है, वो ये था कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को, यानी कि जो डैम वगैरह था उसको आधुनिक भारत का या भारत का आधुनिक मंदिर कहा था, है ना, टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने इस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी कि जो परियोजनाएं थी इसको इन्होंने टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा है, आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। तो इस स्टेटमेंट से ही आप इस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के उद्देश्य और उसकी क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं, उसके महत्व को समझ सकते हैं। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मतलब यह होता है कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन या अगर कोई निर्माण कार्य किया गया है तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो अगर किसी निर्माण कार्य के ज्यादा बेनिफिट्स है तो उसको मल्टीपर्पज में रख देते हैं। जैसे कि अगर मान के चलो कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन बनाया गया, या फिर हीराकुंड बांध बनाया गया, या फिर टिहरी डैम बनाया गया, तो अगर इस तरीके के कोई कंस्ट्रक्शन किए गए हैं तो उसे क्या क्या फायदे होंगे। तो उसे फायदा होगा, एक तो सिंचाई यानी एग्रीकल्चर के लिए हमें पानी मिल जाएगा, सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, फिर पीने की पानी की बात हो जाएगी, यहां पे इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा।
दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, बड़े रिजर्वियर यानी जलाशय बनने से क्या होता है कि जो वाटर रिचार्ज है वो सही हो जाएगा। चौथा पॉइंट यहाँ पर ये है कि जिस एरिया में पानी नहीं है यानी कि हम डैम बना करके उससे नहर निकाल करके उन एरियाज में भी पानी पहुंचा सकते हैं जहां पे पानी की कमी है, तो ये पॉइंट हो सकता है। जैसे कि इंदिरा गांधी नहर पहुंचाया गया कहां, राजस्थान में, आपने ये बात देखा जिसे सिंचाई और पीने की पानी की व्यवस्था हो जाती है। तो जब मल्टीपर्पज कोई उपयोग होता है किसी डैम का, किसी परियोजना का, किसी कंस्ट्रक्शन का, तो उसको हम लोग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के अंतर्गत रखते हैं। अब हम यहां पे देखने वाले हैं कि भारत में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, कहां पे है, किस नदी पे बनाया गया है और उसके कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट है। तो यहां से क्वेश्चन एक न एक एग्जाम में रहते ही है, एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ही लेते हैं। तो जरा हम देखते हैं कि हम किन किन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले हम लोग देखिएगा कि दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो भारत का बहुत पुराना है, सबसे पुराना कह सकते हैं कि दामोदर वैली प्रोजेक्ट है। दरअसल दामोदर वैली प्रोजेक्ट अमेरिका के ही टेनेंसी वैली प्रोजेक्ट के या टेनेंसी वैली अथॉरिटी के जैसा बनाया गया है कि अमेरिका में जो टेनेंसी वैली है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कई बार कि अमेरिका के कौन से TVA, इसको टेनेंसी वैली अथॉरिटी को TVA कहते हैं, तो अमेरिका के कौन से प्रोजेक्ट के बेस्ड पे हमारे यहां दामोदर वैली DVC, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई है, तो टेनेंसी वैली अथॉरिटी के बेस्ड पे। ये क्वेश्चन एग्जाम का आया, इसको ध्यान रखिएगा। अब अगला पॉइंट ये है कि चूंकि दामोदर नदी को कभी बंगाल का सोक कहा जाता था, आज ये वरदान है, मतलब कि सौरो ऑफ बंगाल से ये क्या हो गया, बून ऑफ बंगाल हो गया है। क्यों? क्योंकि ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है और इससे न केवल बाढ़ राहत के लिए यानी कि फ्लड से भी लोगों को राहत मिला, दूसरा पॉइंट यहां से बिजली बनाए जाने लगे नौका और सिंचाई और नहर वगैरह निकाल करके बहुत सारे उपयोग किए गए DVC का। तो DVC बहुत इंपॉर्टेंट है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन या दामोदर वैली प्रोजेक्ट की बात करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। दामोदर नदी पर, जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं, अच्छा एग्जाम में एक चीज जो आपको ध्यान में रखना होगा वो ये होगा कि बहुत ऐसे कॉर्पोरेशन, बहुत ऐसे जो प्रोजेक्ट है उसका नाम बिल्कुल वही है जिस नदी पे वो बना है, तो इसको रट्टा नहीं मारेंगे, इसको एकदम आप लोग थोड़ा सा समराइज कर लेंगे और एक ट्रिक तरीके से इसको बना लेंगे अपने दिमाग में। रट्टा मारने वाली ट्रिक नहीं, दिमाग में बैठाने वाला कि जो प्रोजेक्ट का नाम है अगर उसी नदी का नाम यहाँ ऑप्शन में है तो आप ध्यान रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी है कि वो नदी वही होगा। अब प्रोबेबिलिटी हमने क्यों कहा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरी नदी हो जाते हैं ऑप्शन में, लेकिन उसे पॉइंट को बिल्कुल भी आप चिंता ना कीजिए, बहुत ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसका प्रोजेक्ट का नाम और उसकी नदी का नाम बिल्कुल सेम है, जैसे कि दामोदर और भी किशनगंगा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम सामने में आगे आते हुए देखेंगे, सुवर्णरेखा, सोनाक्षी वगैरह और बहुत सारे हैं। चलिए अगला है भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट की बात करते हैं हम लोग, किस नदी पे है, सबसे पहले तो ये सतलज नदी पे है, हालांकि जब हम सतलज नदी पढ़ा रहे होंगे तो भाखड़ा नांगल की जरूर बात किया होगा हम लोगों ने। भाखड़ा नांगल दरअसल ये दो प्रोजेक्ट है, भाखड़ा और नांगल। भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में है, HP में है, जबकि नांगल कहाँ है, पंजाब में है। मैं दूसरा कलर कर लूं, नांगल कहाँ है, पंजाब में है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। भाखड़ा नांगल हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, VBI है, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, ठीक है ना, भाखड़ा नांगल है। और भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट जो बनाया गया है तो उसके पीछे जो रिजर्वियर बनाया गया, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट बनता है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मान के चलो कि ये नदी है, ठीक है, मैं ये नदी बह रही है, ठीक है, अब यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना है, तो मान के चलो कि ये भाखड़ा डैम बना दिया यहाँ पे, ठीक है, भाखड़ा डैम बना दिया, तो भाखड़ा डैम अगर यहाँ पे बनाया है तो यानी कि पानी को रोका है और पानी को फिर अपने तरीके से छोड़ेगा, यानी कि अपने उपयोग के लिए। डैम बनाने का क्या मतलब है, बांध बनाने का क्या मतलब है कि बांध बना दिया, अब पानी को हमने रोक दिया किसी नदी के, अब उस नदी के पानी को हम अपने तरीके से उसको छोड़ेंगे, हम अपने तरीके उसको रिलीज करेंगे अपने उपयोग के लिए, तो हम क्या क्या करेंगे अपने उपयोग में, तो हो सकता है कि डैम बना करके हम जो पानी को स्टोर किए हैं वहां से हम एक नहर निकाल ले, चलो ये नहर निकल गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नहर, हो सकता है यहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी कि जल विद्युत परियोजना की, यानी कि यहाँ पर एक मोटर बैठा दिए, मोटर, और यहां से हमने क्या कर दिया, जल विद्युत ले लिया, जल विद्युत,
ये कर लिया, ठीक है। इस नहर से क्या क्या होगा, सिंचाई होगा, इसी नहर से पीने की पानी की व्यवस्था हो जाएगी, पीने की पानी की व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है। इसी नहर के द्वारा ये भी कर सकते हैं या कोई और नहर निकाल करके किसी नदी में जहां पे पानी कम है तो एक दूसरे नदी को जोड़ देते हैं, जिसको नदी जोड़ो परियोजना भी कहते हैं। तो नदी को भी हम जोड़ सकते हैं, चलो मान के चलो यहाँ पर कोई एक नदी दूसरी बह रही है, मैं दूसरे कलर से एक नदी कर देता हूँ, ये नदी दूसरी बह रही है जहां पे पानी की कमी है, तो यहाँ की पानी को यहाँ पे भेज दिया हमने ऐसे करके इस जगह पे, ठीक है। तो ये भी एक है पॉइंट, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो ये सारा पॉइंट आप यहां कर सकते हैं, नहर निकाल सकते हैं, दूसरी नदी में नदी जोड़ो परियोजना, मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे कि क्या क्या हो सकता है। तो नदी जोड़ो परियोजना हो सकता है, सिंचाई हो सकता है, पीने के पानी हो सकते हैं, नहर निकाल सकता है, जल विद्युत निकाल सकता है। तो ये सब कुछ अपने तरीके से हम करेंगे। अच्छा ठीक है, ये समझ में आ गया। तो मान के चलो ये बांध हमने बनाया और बांध का ये चीज हमने किया, और ये एक नदी है जो बड़ी नदी है, सतलज है ना, और ये भाखड़ा बांध है। अब इस भाखड़ा बांध में जब हम पानी को रोकेंगे तो ऑब्वियसली है कि पानी, यहाँ पे मैं दूसरे कलर ले लूं, कि एकदम ऑब्वियसली बात है कि पानी जो है ना वो चारों तरफ यहाँ पे फैल जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा, क्योंकि पानी तो आपने जो फ्लो है उस फ्लो को आपने रोक दिया है, ये पानी बहने की प्रक्रिया को आपने रोक दिया है। तो 100% जहां आपने रोका उसके पीछे पानी बहुत सारा जमा हो जाएगा, और जब बहुत सारा जमा हो जाएगा तो उसको कहते हैं आर्टिफिशियल रिजर्वियर, यानी कि कृत्रिम जलाशय। क्या बोलते हैं उसको, आर्टिफिशियल रिजर्वियर यानी कि कृत्रिम जलाशय। तो जो पानी आपने यहाँ पे रोका जो आ रहा है, अब उसको बांध बना के रोक दिया। आप लोग समझ रहे हैं, किसी भी छोटे खेत में जाइए, सिंचाई कर रहे हैं, कहीं बांध बना दीजिए उसके पीछे पानी रुक जाएगा, ठीक है, और उसको फिर अलग रास्ते में आप लेके चले जाते हैं जहां आपको सिंचाई करना है। ये सब करते रहते हैं आप छोटे लेवल पे, ये बड़े लेवल पे हो रहा है। तो बांध बना करके और जो यहां पे कृत्रिम जलाशय आपने बना दिया, यानी कि इसको रोक करके जो कृत्रिम जलाशय बना दिया, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि गोविंद सागर जो हिमाचल प्रदेश में है, रिजर्वेयर है जो कि इसके ऊपर कंस्ट्रक्टेड है। तो ये जो कृत्रिम जलाशय है सतलज नदी पे भाखड़ा नांगल डैम के लिए, उसका नाम है गोविंद सागर, ठीक है। ये क्या है, कृत्रिम जलाशय, यानी कि आर्टिफिशियल रिजर्वेयर, आर्टिफिशियल रिजर्वेयर, कृत्रिम जलाशय, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो ये एक पॉइंट है जिसको समझिएगा, ये मेन नदी है, ठीक है, जहां पे हमने बांध बनाया और एक कृत्रिम जलाशय का निर्माण कर दिया। बांध बनने से पानी रुक जाएगा, तो कृत्रिम जलाशय का निर्माण कर दिया, और भाखड़ा नांगल डैम यानी कि सतलज नदी पे गोविंद सागर एक कृत्रिम जलाशय बना हुआ है, ठीक है। अब इस बांध बनाने का हम क्या क्या हमारा उपयोग हो सकता है, तो हम जल विद्युत में प्रयोग कर सकते हैं, नहर निकाल सकते हैं, सिंचाई के पानी, पानी पीने की पानी का, फिर इसी से हम दूसरे नदी में पानी भी भेज सकते हैं, ताकि दूसरी नदी में पानी चले जाने से हमारा बाढ़ यहाँ पे रुक जाएगा और दूसरी नदी को पानी मिल जाए, से उस एरिया पे पानी की पहुंच हो जाएगी। तो ये बहुत सारे चीजें दिमाग में चलती रहती है जब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को तैयार किया जाता है। तो वही बात है, भाखड़ा नांगल डैम में यहाँ पे दो प्रोजेक्ट है, एक भाखड़ा है जो हिमाचल प्रदेश में है, नांगल है जो कहाँ है, पंजाब में है, और इस पे एक गोविंद सागर झील या गोविंद सागर रिजर्वेयर का निर्माण किया गया है सतलज नदी पे भाखड़ा नांगल डैम प्रोजेक्ट के अंतर्गत। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए उसी तरीके से हीराकुंड डैम है। अब कोई भी डैम की बात होगी तो आप इसी तरीके से समझेंगे, नदी है उसके ऊपर बांध बना दिया है और पीछे में जो रिजर्वेयर बन गया है वो उसका कृत्रिम जलाशय है, ठीक है। तो ये महानदी पे बना गया है, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, भारत का सबसे लंबा डैम है हीराकुंड डैम, हीराकुंड बांध बहुत बार एग्जाम का क्वेश्चन बना है, आप जानते हैं इतना बार बना है कि अब तो ये लोग बच्चे इसको तैयार कर चुके हैं। रिहन डैम, रिहन डैम प्रोजेक्ट है, कौन से नदी पे, देखो जो नाम है वही नदी का भी नाम है, रिहंद रिवर है, ठीक है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट यूपी में, यूपी के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में इसको बनाया गया है। अब ध्यान रखिएगा, जो रिहंद नदी है वो सोन नदी का ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है ना, ट्रिब्यूटरीज कौन से नदी का है, सोन नदी का, आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ सोन रिवर, रिहंद नदी। अब रिहंद नदी पर जो प्रोजेक्ट बना है वो रिहंद डैम प्रोजेक्ट है। अब इसके ऊपर जो जलाशय है वो है गोविंद पंत सागर जलाशय, गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर कंस्ट्रक्ट हो गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है रिहन डैम पे, ठीक है ना, जिस तरीके से वहां पे हमने देखा गोविंद सागर, यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत है, याद रखिएगा, गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत सागर में कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा आप लोग, रिहन डैम, ठीक है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट यूपी में है। चलिए और देखते हैं हम लोग,
ठीक है, और देखते हैं, मैं इसको मिटाता हूं टोटल को, और देखते हैं इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है ये कहां से निकली है, तो हरिके बैराज, हरिके बैराज जो पंजाब में है सतलज और ब्यास नदी के बीच से निकला हुआ। जैसे कि मैं फिर से एक मैप बना दूं और आपको तब समझ में आ जाएगा, ये सतलज नदी है, ये यहाँ पे सतलज नदी इस तरीके से है, और ब्यास चूंकि आप जानते हैं सतलज नदी में आकर के क्या होती है, मिल जाती है, तो सतलज को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ठीक है, और ब्यास नदी को यहाँ पे आकर मिला है, तो ये ब्यास है, ये ब्यास रिवर है जो सतलज नदी में आकर मिल गई, ठीक है ना। अब मिल गई तो इस जगह पे एक बैराज बनाया गया, बैराज, ठीक है ना, इस जगह पे एक बैराज बनाया गया, बैराज बनाया गया इस जगह पे, और इस बैराज से एक नहर निकाला गया जो नहर राजस्थान के गंगानगर, या यहाँ पे मैंने लिखा है कि राजस्थान के श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर जैसे इलाकों में सिंचाई की पानी की पहुंचाने के लिए व्यवस्था किया गया। तो ये नहर, इसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, जो कि भारत का सबसे बड़ा नहर है, भारत का सबसे बड़ा नहर है, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा है, बीबीआई है, याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा नहर भी है इंदिरा गांधी। और ये इंदिरा गांधी नहर कहाँ कहाँ इरिगेशन के लिए है, तो श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, यहां पे कौन कौन से नदी पे है, तो ब्यास और सतलज, ब्यास और सतलज नदी के मुहाने पे हरिके बैराज जो कि कहां बनाया गया है, पंजाब में, वहीं से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है, और इंदिरा गांधी नगर राजस्थान के मैक्सिमम इलाकों में पानी पहुंचाने का काम करता है, भारत का सबसे बड़ा नहर है, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा है, याद रखिएगा कौन कौन से नदी के बीच में, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है, तो मैं बीबीआई यहां भी कर दूं, और सबसे बड़ा नहर है, यह भी बीबीआई एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उकाई प्रोजेक्ट ताप्ती नदी पे है, सूरत गुजरात में, ताप्ती नदी, ना आपने तापी नदी पढ़ा है, जब रिवर पढ़े हैं तो पारंबिकुलम, पारंबिकुलम एलियार प्रोजेक्ट, पारंबिकुलम एलियार प्रोजेक्ट, नाम से पता चल रहा है कि साउथ इंडिया में कहीं होगा, तमिलनाडु और केरला का क्या है, ज्वाइंट प्रोजेक्ट है तमिलनाडु और केरला का। गंडक प्रोजेक्ट, नाम से पता चल रहा है गंडक नदी पे होगा, तो गंडक नदी पे कहां है, बिहार में, वाल्मीकि नगर बैराज इसके ऊपर बनाया गया है, बिहार वगैरह में आप वाल्मीकि नगर बैराज के बारे में बहुत सुनेंगे, खास करके बाढ़ के समय में, ठीक है, क्योंकि वाल्मीकि नगर में वो बैराज बनाया गया है, और बाढ़ के पानी यहाँ पे इस बैराज को जब खोलते हैं ना, तो बाढ़ के पानी और तेजी से गंडक नदी में बहती है, और गंडक नदी से गंगा में चली जाती है, क्योंकि आप जानते हैं गंडक गंगा की सहायक नदी है, और फिर वहां पे बाढ़ की विभीषिका बढ़ जाती है। तो वाल्मीकि नगर बैराज बनाया गया है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, इसके भी मल्टीपर्पज पॉइंट है, यहाँ पर भी नहर निकाला गया है सिंचाई व्यवस्था के लिए, बाढ़ को रोकने के लिए भी इसका प्रयोग किया गया है, और भी बहुत सारे काम है, वाल्मीकि नगर बैराज बड़ा फेमस है। चलिए बापसा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, याद रखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, अभी तक नहीं बना है लेकिन अभी बन सकता है। बापसा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहां है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश, बापसा नदी पे है, नाम सुना ही नहीं होगा आप लोगों ने नदी का, आप लोगों ने इस नदी का नाम सुना ही नहीं होगा, बापसा रिवर पे बापसा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। किसन प्रोजेक्ट, किसन प्रोजेक्ट आप नाम से समझ में आ रहा है कि किसन गंगा नदी पे होगा, नहीं, ये टोंस रिवर पे है, टोंस रिवर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच में, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच में किसन प्रोजेक्ट है। दंतीवाड़ा प्रोजेक्ट, ये मैंने जानबूझ करके डाला है, क्योंकि दंतीवाड़ा से आपको समझ में आएगा कि छत्तीसगढ़ का जगह जो दंतीवाड़ा है उसके हिसाब से, लेकिन ये दंतीवाड़ा बनास नदी पे है गुजरात में, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बनास नदी गुजरात में है, दंतीवाड़ा प्रोजेक्ट। चलिए पंचेश्वर प्रोजेक्ट, पंचेश्वर महाकाली रिवर इंडिया इंडो नेपाल बॉर्डर पे है, इंडिया इंडो नेपाल बॉर्डर पे महाकाली रिवर पे है पंचेश्वर प्रोजेक्ट, पंचेश्वर प्रोजेक्ट। चमारा प्रोजेक्ट, चमारा प्रोजेक्ट चमेरा है दरअसल, सॉरी चमेरा है, चमेरा मैं हिंदी में लिख देता हूं, चमेरा प्रोजेक्ट, चमेरा प्रोजेक्ट है कहां, रावी नदी पे हिमाचल प्रदेश में, रावी नदी हिमाचल प्रदेश में चमेरा प्रोजेक्ट है। आगे बढ़ते हैं सरदार सरोवर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम का क्वेश्चन पूछ चुका है सरदार सरोवर से, अब तो इतना बार पूछ चुका है कि अब पूछते भी नहीं है, ठीक है। तो सरदार सरोवर कलेक्टिव प्रोजेक्ट है एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। हाँ, ये बात जो मैंने आपको लिखा है ये क्वेश्चन एग्जाम का बन सकता है, क्योंकि सरदार सरोवर किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे, ये पॉइंट तो आप लोग सब जानते हैं, ठीक है। आप उसके लेकर के, क्योंकि नर्मदा बचाओ आंदोलन बहुत ज्यादा तेजी से चला है, ठीक है, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन में कुछ
लोग, पाटेकर जैसे लोग जो बहुत ज्यादा इसमें योगदान दे रहे थे, उसमें जो विस्थापित लोग थे उसको लेकर के बहुत ज्यादा आंदोलन चल रहा था, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जो प्रोजेक्ट चल रहा था, उसे बहुत बड़े मात्रा में लोगों को विस्थापित किया गया था, बहुत बड़े मात्रा में लोगों को इधर से उधर किया गया था, ठीक है। चलिए, उसके ऊपर बहुत सारे डैम बने हैं, ये वो बहुत सारी चीजें बनी है, तो उस सबको लेकर के एग्जाम का क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं। अब क्वेश्चन आपसे अगर पूछेगा तो ये पूछेगा कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से कौन कौन से स्टेट एसोसिएट है, कौन कौन सा स्टेट एसोसिएट है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। नॉर्मली आप जो है ना राजस्थान मान करके या महाराष्ट्र मान करके इसको, सॉरी गुजरात या महाराष्ट्र मान करके चलते हैं, क्योंकि गुजरात नर्मदा आप जानते हैं, महाराष्ट्र वगैरह जो, लेकिन यहाँ पे एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान चारों स्टेट इससे रिलेटेड है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से। चलिए, कोसी प्रोजेक्ट नाम से पता चल रहा है कोसी नदी पे होगा, ठीक है, बिहार में कोसी नदी पे। हनुमान नगर बैराज इस पे है, हनुमान नगर बैराज। ध्यान रखिएगा अगर किसी जगह पे कोई चीज है तो वो मार्क कर लीजिएगा, कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई हनुमान नगर बैराज किस नदी पे है, वाल्मीकि नगर बैराज किस नदी पे है, तो ये सारा पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। पूछा गंडक नदी पे वाल्मीकि नगर है, आप जानते हैं। चलिए, नागार्जुन प्रोजेक्ट कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, कई बार महान बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के नाम पे नागार्जुन प्रोजेक्ट है कृष्णा नदी पे आंध्र प्रदेश में। उसके बाद चंबल प्रोजेक्ट है, नाम सुना है चंबल, चंबल नदी पे होगा। अब इसमें गांधी सागर डैम है एमपी में, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर राजस्थान में, ये बात हम पहले भी चंबल नदी पढ़ाते हुए आपको बता चुके हैं, तो ये दोबारा है आपका एक रिविजन है। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट नाम से पता चल रहा है तुंगभद्रा नदी पे आंध्र प्रदेश होगा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में, लेकिन आंध्र प्रदेश मुख्य रूप से। किशनगंगा प्रोजेक्ट नाम से पता चल रहा है किशनगंगा रिवर जम्मू एंड कश्मीर में। मयूराक्षी प्रोजेक्ट नाम से पता चल रहा है मयूराक्षी रिवर पे होगा झारखंड में। इंदिरा सागर डैम नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश, ये क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। इंदिरा सागर डैम नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए, टिहरी डैम कई बार क्वेश्चन पूछा है, कई बार ही क्वेश्चन पूछा गया, भागीरथी नदी पे उत्तराखंड में, टिहरी डैम भागीरथी नदी कई बार क्वेश्चन पूछा है। जैकाबाड़ी प्रोजेक्ट बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, गोदावरी नदी पे महाराष्ट्र, ये सारा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बीबीआई है, ठीक है। मुल्ला पेरियार डैम कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कई बार ही, पेरियार रिवर तमिलनाडु और केरला के बीच में है, इसके ऊपर तो मुल्ला पेरियार पे बहुत ज्यादा क्या चल रहा था, प्रोटेस्ट भी चल रहा था, इस बात को ध्यान में रखिएगा, तो इस पर भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए, तो ये कुछ हमने पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात किया। पावर प्रोजेक्ट ही नहीं है, ये प्रोजेक्ट्स है जिसके अंदर पावर जनरेशन यानी हाइड्रो पावर जनरेशन, इरिगेशन, कैनल यानी कि नहर, और भी बहुत सारे फ्लड वगैरह से बचाव के लिए बहुत सारे मल्टीपर्पज इसके काम होते हैं, जो कि हमने शुरू में आपको समझाया। तो इस पावर प्रोजेक्ट को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एक न एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने बीवीआई भी लगा दिया कि कौन कौन पूछे गए हैं, कौन कौन नहीं पूछे गए हैं, बाकी सबको अगर आप ध्यान में रखेंगे, लिख करके अगर आपने कॉपी में रखेंगे तो ये आपको ज्यादा ध्यान में रखेगा। और इसको मैप पे ढूंढिए, देखिए ये सब हर चीज चूंकि ज्योग्राफी है और इसको मैप पे अगर आप ढूंढेंगे तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रह जाएगा। आज मैंने आपको मैप नहीं दिखाया है जानबूझ करके, ताकि आप मैप पे इन चीजों को ढूंढे, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, चीजों को मैप पे ढूंढिए, आपको ये याद रह जाएगा, एग्जाम तक कैरी हो जाएगा। आप सिर्फ एक घंटा दीजिए ना जीएस के लिए, आपका तैयार हो जाएगा जीएस, बिल्कुल इत्मीनान रखिए, सिर्फ 1 आवर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और फिर आप जो पढ़ा है उसको मैप से आप कोरिलेट कीजिए, आपका अपने आप तैयार होता चला जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ, अभी हम इसको रोकते हैं, थैंक यू।